अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सभी, और हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड मॉर्निंग विद सभी। ये एक ऐसी रंगों की दुनिया है गुड मॉर्निंग विद सभी, जिसमें आप ना सिर्फ अवेयर हो सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और मैं कहूँगी कि इतनी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो बातें हम आपको अवेयर करें जो आपके इर्द गिर्द तो हो रही है लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो आप बिल्कुल, मेरा शो बहुत पसंद करते हैं, कल मुझे बहुत सारा फीडबैक आया और मेरे दिल से ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए निकली कि यार कम अज़ कम मैं कुछ एफर्ट कर रही हूँ, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, हम जब मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो जब आगाज़ करती हूँ तो एक मैसेज आपसे एक मतलब इंट्रक्शन होती है दिस, मैं ये कहूँगी कि अच्छी बात है, हम एक छोटा सा कुछ सदका जारिया का काम करते हैं। तो आज एक छोटा सा मैं मैसेज शेयर करूँगी मोटिवेशनल, ये है कि हम अपने घर से जब अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में भेजता है तो हमारा एक छोटा सा प्यारा सा घर होता है जिसमें वालदा, उसमें वालिद साहब, बहन भाई, फैमिली, दादा दादी, ऐसे ही ना हमारी आँख खुलती है, सब चाहने वाले इर्द गिर्द हमारे पास आ जाते हैं, हम खुशियाँ उसमें सेलिब्रेट करते हैं, कोई मुबारक देने आता है, बेटी होती है तब भी बेटा होता है, हर घर का अपना क्राइटेरिया है, तो एक खुशी की सेलिब्रेशन होती है। तो उस वक्त हम एक दूसरे को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हम आपके अपने हैं, केयरिंग है, ये केयरिंग कहलाती है। जैसे मेरी अगर सिस्टर के घर में कोई बेबी पैदा हुआ है तो मैं उसको विश करने जा रही हूँ तो उसको फील होता है कि मेरा कोई एहसास का रिश्ता है। ये रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और इसके लिए केयर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जिंदगी में 365 दिन हमारे हैं, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खुशियों के लिए ना, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम सॉरी टू से मुंह फाड़ के एक जुमला कह देते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसा ना किया करें। ये छोटी छोटी, अगर आपके पास, अच्छा जितना हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर में चलते चले जा रहे हैं ना, तो हम जो है जितना हम आसानियाँ हमारे पास है, मोबाइल है ईजिएस्ट है, पहले ये जुमला कभी नहीं कहते थे, अगर कभी ये मोबाइल नहीं था ना, हम अपने मैं अपने वाले साहब के साथ ताए के घर जा रही हूँ, मेरे अबू गाड़ी में हम सबको बिठा के लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा अरे बता के आना था ना, कभी ऐसा नहीं कहा रियली। और अब हम कितने आसानी से कहते हैं यार कॉल करके आना, इस पर कोई वो नहीं है आज के दौर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई है, टेक्नोलॉजी का दौर तो हो गया, लेकिन प्लीज़ मैं कहती हूँ कि प्लीज़ 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 अपने लिए एक वक्त होगा जब आप एक स्टेज पर चले जाएंगे ना, फिर ये वक्त ऐसे दौरा दौरा के आएगा और आपको सारा वक्त याद आएगा, जस्ट लाइक कि आपको ऐसे याद आएगा कि मैं इनके साथ कभी मेरा बचपन गुजरा है तो बहुत तकलीफ होगी, फिर वो आपको अवॉइड करेंगे। तो कम अज़ कम समझ लें आप उनके लिए नहीं अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं, तो केयरिंग ज़रूर करें, कभी अपने बहन भाइयों को कॉल कर लिया करें, उनकी खैरियत पूछ लिया करें, एक व्हाट्सअप मैसेज कर दें, बहुत ईजीएस्ट है, कॉल रिसीव नहीं हो रही कि भाई कैसे हो, इतने दिन आपकी आवाज़ नहीं सुनी, अपने भांजे भतीजों को, ये वो खूबसूरत रिश्ते हैं बाखुदा अल्लाह पाक ने, जो बेशक मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो बहुत क्लोज होता है लेकिन पेपर का होता है ना, जैसे कहते हैं बहुत क्लोज होता है, लेकिन आप माँ बाप के रिश्ते को जितना कहें मैंने तुमसे ताल्लुक ख़त्म कर दिया लेकिन ये टूटता नहीं है, खुदा ने कैसा रिश्ता हम लोगों को ब्लड रिलेशन बनाया। तो इन रिलेशंस को, इन ताल्लुकात को, इन खूबसूरत से रिश्तों को जकड़ के रखें थोड़ा सा टाइम, आज आप उनके लिए थोड़े से दो अल्फाज कह देंगे उनको इतना एहसास होगा ये मेरे मामू, मेरे खाला, मेरी पुप्पी, मेरे बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई मुझे याद तो करता है, तो दिल में दुआ निकलती है। कभी कभी भाई अपने बहनों को एक कॉल कर लिया करें कि कैसे हो सिस्टर, बच्चे कैसे हैं, एक इतना सा जुमला ही तो कहना है। तो मुझे तो, मैं भी प्रैक्टिकल तो मैं ऐसे ही हूँ, अपने बहन भांजे भतीजों से इसी तरह रिलेशन रखती हूँ, और मैं ये नहीं बोलती ये तो ये बड़ा मसला है, वो मुझे कहाँ ही पूछता है, अरे आप पूछ लीजिए यार, आपने अल्लाह ने आपको इंतखाब कर दिया, आप पूछ लीजिए। चलिए जी, बात हो गई बहुत लंबी, तो केयरिंग जरूर किया करें, इतनी लाइफ स्टाइल में मत खोएं कि जिंदगी की दौड़ में कि आप बहुत आगे निकल जाएं और खूबसूरत रिश्ते पीछे रह जाएं। अच्छा जी, आप लोगों ने मेरा एक छोटा सा मैसेज, छोटा तो नहीं था, काफी बड़ा था लेकिन हार्ट टच था
मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। और बातों से याद आया ये है, इसके बाद क्योंकि मैसेज मैं नहीं अभी ब्रेक नहीं लेना चाह रही, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपका जो है बहुत ही जबरदस्त मेरे प्यारे भाई मौजूद हैं, और ये है हेल्थ सेगमेंट, क्योंकि मेरे प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसके बाद फॉरन में करती हूँ हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट में बात जिस तरह केयरिंग की कर रही थी, तो हम लाइफ स्टाइल में इतना खो गए हैं तो ना पता चल रहा है हमारे हड्डियों को जो है ना 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा हमें कुछ नहीं मालूम। हमारा जो है पेट, हम लोग किस तरह इतने फटी हो जाएंगे ये भी नहीं मालूम, हमारे बाल गिरने लग जाएंगे ये भी नहीं मालूम, यानी कि हम लोग बिल्कुल अभी तो बस दौड़ है, एक दौड़ लगी हुई है। तो आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की, फिटनेस की और लाइफ स्टाइल की। और यहाँ पर इस वक्त वो पर्सन मौजूद है जो मैं कहती हूँ कि आपको ना भूल जाएंगे दवाइयां खाना, बाखुदा आपके इर्द गिर्द जो चीजें किचन में मौजूद है वो उधर से ही कहते हैं भाई ये है। तो मैं कहूंगी कि इज अ मैजिक मैन और डॉक्टर हर्बलिस्ट, और उनके अंदर इतनी ऑलराउंडर, इज अ वन मैन शो है हेल्थ से रेलिवेंट। तो बात करूंगी इस वक्त डॉक्टर ईसा मौजूद है हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर मैजिक मैन, कह सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ भाई, आपकी दुआएं। आपका इंटरव्यू वैसे बहुत अच्छा था। अच्छा, पसंद आया। इस दौर के लिहाज से हमें रोज हैमरिंग करनी चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो अल्लाह ताला कहते हैं ना सूरह असर में कि इंसान तू बड़े खसारे में, वला असर इल्ला इंसान, तू बड़े खसारे में। खसारा ये है कि जो आज का दिन है ये कल मुझे नहीं मिलेगा सारी दौलत देकर भी। तो आज के दिन में जितना अच्छा करना है कर लो, और कल का अगर हमें दे दिया तो उसको भी फिर एंजॉय करेंगे, नहीं तो आज के दिन भी कई लोग निकल जाएंगे, चरपाइयों पे उठाए जाएंगे और दफनाए जाएंगे। बिल्कुल, हमें छोड़ता है तो इसीलिए छोड़ता है कि चलो एक दिन और लेके अच्छा गुजार लो। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें खुशियां हम उनमें चीजों में ढूंढ रहे हैं कि जो बहुत एक्सपेंसिव है, खुशियां लोग उनमें ढूंढ रहे हैं। उसके पास गाड़ी है तो यार वो कितना वेल है, उसके पास ये नहीं पता कि खुशियां तो आप एक, मैं कहती हूँ ढाबे पे चाय पी के भी खुशियां आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपके अंदर खुशी होनी चाहिए। जरूरत की दौड़ में हम, कसरत की दौड़ में हम बरकत की दौड़ में नहीं है। बेशक पहले हमारे जो घर वाले बुजुर्ग थे, माँ बाप थे, ये सब बरकत की दौड़ में थे, हम कसरत की दौड़ में है। एक से दो हो जाए, दो से तीन हो जाए, तो पीस नहीं आ सकता। पीस उसी में आएगा जिसके बायलॉज अल्लाह ने खुद बना दिए। लेकिन आपकी मुझे वो बात याद है, एक बार आपने कहा था कि जो बांटोगे वो मिलेगा, मोहब्बत बांटोगे मोहब्बत मिलेगी, रिस्क बांटोगे तो रिस्क मिलेगा, ऐसा ही है कि नहीं है? तो हम जो चीज शेयर कर रहे हैं वो ही हमारे पास रिटर्न होके आ रही है। और पहले हमारी वालदा अगर आलू गोश्त बनाती थी तो सबसे पहले एक कटोरी निकलती थी कसूर की मेथी डली कि ये जाके मुन्ने की अम्मी को देकर आ जाओ, उनके घर कोई कमी नहीं थी, यकीन करें। और वो खाना 2 दिन तक चलता था, और उस वक्त फ्राइडे की छुट्टी होती थी, जुम्मे को आलू बनता था तो वो 2 दिन जुमरात को वो 2 दिन चलता था, बड़ा एक बरकत थी, एक बड़ा पतीला था। ये एक बरकत थी। अब तो ये उसके लिए उठा के, अभी इन चीजों के लिए मतलब फेथ चाहिए आपको। मतलब आप सुनते हो या आप इसको सुनकर आपको अच्छा फील हो रहा है, इस अच्छाई का फायदा तभी हो सकता है जब आप इसको करने लग जाओ, बी प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन हम एक ये चीज बहुत इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, हम अपने आगे खुद तो गलत कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने फैमिली मतलब बच्चों में, हम अपनी जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं नेगेटिविटी। हाँ, वो बहुत बुरा है। मतलब मैं बताऊं आपको कि मैं अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूं कि मेरे बच्चे माशाल्लाह थोड़े बड़े हो रहे हैं तो गाड़ी में अक्सर मेरे साथ घूमते थे। मैंने कभी भी अगर किसी को पैसे देने हैं मांगने वाले को तो मैंने नहीं देने, मैंने उनके हाथ से दिलाने। अच्छा, किसी को गरीब को कपड़े दिलवाने तो इनके हाथ से दिलवाने, हालांकि छोटे। अब मैं उसका रिएक्शन ये देखता हूँ, कभी कभी कोई सिग्नल पे आ जाए मांगने वाला और मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं माफ करना, तो पीछे से आवाज आ जाती, पापा गिव देम मनी, व्हाट हैपेंड। मैं उनमें रिएक्शन देखता हूँ कि यार इनको आदत पड़ गई अब देने की। तो हमें अपने औलाद को ये चीजें सिखानी चाहिए, क्योंकि बिगनिंग में बच्चा है ना वो कोरा किताब है, उस पर जो लिख रहा है वही लिखा जाएगा। अच्छा, आज आपने क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था, रात को बात हो रही थी आपसे कि लाइफ स्टाइल की, तो आप क्या समझते हैं हमारी, ये तो एक हमारी इंसानियत की बात होगी, हमारे अंदर की ये पॉजिटिविटी तो बहुत इंक्लूड होती है क्योंकि यही हमारे चेहरे पे प्रेजेंट करती है। मगर हर वक्त अगर टेंशन में रहेंगे तो हमारे रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे, ये भी एक है बहुत बड़ा इफेक्ट है। अच्छा, अब बताएं लाइफ स्टाइल में हमारी क्या कमी है जो खवातीन में बहुत ज्यादा जो है अब हाईलाइट हो रही है बहुत ज्यादा। हमें इस वक्त मेरे ख्याल में
जो 50, 60, 70 साल वाले लोग हैं जी वो भी देख रहे होंगे, बिल्कुल देख रहे होंगे, और 17 साल की बच्चियां भी देख रही होंगी, बिल्कुल देख रही होंगी। तो अब आप 70 साल वालों से सवाल करें कि आपकी जवानी में बीमारियों के नाम कितने थे, तो गिनती से 6-8 बताएंगे। बहुत मुश्किल से, बहुत, और अभी इतनी लिस्ट है कि आप उसको लिख नहीं सकते। बिल्कुल सही, ये सब कुछ जितना बन रहा है ये हमारे लाइफ स्टाइल से बन रहा है। लाइफ स्टाइल में आपके थॉट्स भी है, आपका खाना पीना भी है। मिसाल के तौर पर मैं सुबह उठता हूँ, अल्लाह ताला ने मेरा भी आपका भी तमाम लोगों का निजाम अंदर का एक जैसा रखा है। बेशक बेशक। पहले अल्लाह कह रहा है कुरान में कि तुम रात को सो जाओ टाइम पर। पहले तो आप डिसाइड करो रात कहाँ कब होती है क्योंकि रात तो लंबी है। बिल्कुल सही है, डिसाइड करो कब से होती है। सही का। तो फिर आपको सूरह मुजम्मिल पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने आदि शब कहा है और उससे पहले कहा है। आदि शब पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड है, 12 बजे से पहले। जो 12 बजे से पहले सोता है वो रात की नींद लेता है। बेहतरीन। 12:10 के बाद फिर उसका दूसरा दिन शुरू होता है, तो इसलिए वो रात नहीं होगी जो 1-2 बजे आप सोकर बोलेंगे मैं देर से उठता हूँ। रात की नींद का नेमो बदल पूरा दिन सोकर भी नहीं मिलेगा। बेशक बेशक। तो पहली बात तो रात को जब आप सोते हैं तो फिर आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, उसमें आपकी किडनीज है, उसमें आपका दिल है, उसमें आपकी गोल्ड ब्लडर है, जिगर है, ये सारे ऑटोमेटिक अपनी क्लीनिंग कर रहे होते हैं पूरे दिन में जो आपने खाया पिया होता है। पूरी क्लीनिंग सफाई कर रहे होते हैं। एक तो आप उसे वो टाइम नहीं देते हैं क्योंकि आप सो ही नहीं रहे तो काम कहां से करेंगे। अच्छा, जब आप सोकर उठते हैं तो अंदर क्लीन हो चुका होता है तो आपको 2 मिनट तो सोचना चाहिए ना कि सफाई हो चुकी है, अब जो मैं पहले नवाला दूं वो कोई अच्छा दूं। आप चाय पापे दे रहे हो पूरी क्लीनिंग के बाद। मैं समझी। आप ओटमील ले लेते हैं, आप एक बॉयल अंडा ले लेते हैं, दो स्लाइस ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चले चाय भी पी लेते हैं। ओके। बेस तो ये था कि जो हम स्ट्रेस देख रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप चाय की जगह भी ग्रीन टी पिए, क्योंकि ग्रीन टी में वो अज्जा पाए जाते हैं जो थोड़ा सा आपके स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। और 85 दुनिया अगर दुनिया में बाकी जो देखें यूरोप साइड पर इधर उधर तो वो कॉफी पीते हैं। कॉफी के अज्जा भी आपके लिवर और हार्ट किडनी के लिए बेनिफिट होते हैं। अच्छा, बेहतरीन। किसी भी चीज की ज्यादती भी गलत है। अच्छा। पूरे दिन में 2 दफा बस। ओके। अगर आपने कॉफी भी पीनी है, ग्रीन टी भी पीनी है, बस 2 दफा सुबह शाम, इससे ज्यादा नहीं। और जो आप चाय पी रहे हो उसमें आप थोड़ा सा, लेकिन खाली पेट नहीं। ठीक है। अच्छा, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं आवाज को जानी पहचानी है या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी है। मेरे पीछे पीछे आ गए आप। मैं दूसरे चैनल पे थी, वहाँ पर भी आप थे, यहाँ पर भी। क्या बात है या? बिल्कुल, मैं तो खैर आप बड़े अच्छे से इंतजार कर रहे, शायद आपको शुरू शुरू करें। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू सर। और डॉक्टर ईसा को बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत तवील अच्छे से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, इनसे मेरी पर्सनल मुलाकात भी हो चुकी है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं असल में बात ये बात इनसे एग्री करता हूँ डॉक्टर, एक बात की हमने अपना लाइफ स्टाइल अननेचुरल कर दिया, देर से सोते हैं, तो एक रूटीन ऑफ लाइफ जो है ना वो आपकी आपकी बॉडी की सारी सिस्टम सारा चेंज हो गया। बच्चे स्पेशली आजकल जो नेट में लगने के बाद वो सोते रहते हैं और फिर वो उठते नहीं है। डॉक्टर मेरा सवाल ये है क्योंकि आजकल के लिए मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, एक तो एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन मैं अभी तक मैं हल नहीं पा चुका हूँ। फिर मैं मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है और मैं डेली मुझे वो खानी पड़ती है, एक कैरीपास खानी पड़ती है जिससे मेरे को देखनी होती है, लेकिन अपने गोली से निजात हासिल करना चाहता हूँ, इसके लिए कुछ बताएं। दूसरी एक बात बताएं कि जो हम लोग हमारे मतलब ये तो एक आप थोड़ा सा एक नफसियाती मतलब ये कि बच्चे हमारे नहीं उठते सुबह और वो कहते हैं कि मतलब वो वैसे तो चले जाते हैं जिम में, रात को जिम चले जाते हैं और सुबह उठते नहीं है, सुबह की मॉर्निंग वॉक कहते नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी हमारा जिम ही हमारे लिए काफी है, और वो जिम में जाके जो उनकी इक्विपमेंट्स होती है वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक हद तक वो होती है लेकिन जहनी नशोनुमा उनकी सही नहीं हो पाती। इस बारे में आप क्या कहेंगे और बच्चों को कहते हैं कन्विंस करें कि वो सुबह जल्दी उठे? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच या, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने। ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं। हाँ बिल्कुल जी। अब बताइए, इन्होंने वैसे सवाल बहुत जीनियस किए। हाँ, मैं दोनों के अलग अलग जवाब दूंगा। सबसे पहले आऊंगा आपकी एलर्जी पे। जो भी आप टेबलेट खा रहे हैं, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, एलर्जी की बहुत सारी गोलियां लोग खा रहे होते हैं, एलर्जी का अभी तक भी कोई क्योर अंग्रेजी दवाई में नहीं है। अल्लाह ताला नहीं उतारते उस बीमारी को जिसकी वो दवाई ना उतार लें पहले।
बेशक जब भी आप इसका इलाज करेंगे नेचुरोपैथी में तो आपको इसका क्योर मिलेगा, आपको रिलीफ मिल सकता है दुनिया की बाकी मेडिसिन में 3-4 घंटे आपकी एलर्जी, क्योंकि एलर्जी का ताल्लुक ब्लड से, ब्लड से जब तक ये डिटॉक्स नहीं होगी, जितनी बीमारियां आप एलर्जी बनी हुई देखते हैं, जिसको आप दम्मा कह लें, एक्जिमा कह लें, सोरायसिस कह लें, फंगस कह लें, साइनस कह लें, छींके आती हैं, मुझे अंडा अच्छा नहीं लगता, मैं मछली नहीं खा सकता, ये सब एलर्जी और एक ही फॉर्म होता है। अब वो ट्रिगर मुख्तलिफ चीजों से होती है। 5-6 चीजें बता देता हूँ, दवाई घर पे खुद बना लीजिएगा। गुले बनफशा, गुले गाओजबा, उनाब, गुलमंडी, सौंफ और मुलेठी, इन 5 चीजों का पाउडर बना लें, आधी चमची सुबह शाम ले लें, और यही चीज अगर चाय की तरह मोटी कूट लें तो इसका आप कहवा बना लें, और ये नजला, जुकाम, खांसी, छींके, इन सब पे भी काम करता है। अगर आप मोटा कूट लिया तो ये चाय की पत्ती की तरह हो जाएगा। जस्ट एक 1 कप ऑफ टी पानी जो 1 कप ले लें, उसमें आप 1 चमची डालकर इसको 2-4 जोश देंगे तो ये कहवा बन जाएगा। बेशक, अब आप सुबह छान कर एक थोड़ी सी हनी या गुड़ उसमें डालकर 1 कप सुबह पिए, 1 शाम पिए। बच्चों को हो, अगर 1 साल के बच्चे को भी सीना भर जाता है, 2-4 चम्मच वक्फे से पिलाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुल जाता है। सीने में होती तो है। आजकल मौसम भी चल रहा है तो खांसी बुखार का, तो ये सब आप बच्चे बड़े सब ये सकते इसका कोई नुकसान। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें डिपेंड करता है बच्चों की जितनी भी परवरिश है वो अपने घर में पहले क्या देख रहे हैं, उनके माँ बाप का लाइफ स्टाइल कैसा है। मैं तो सो रहा हूँ 3 बजे और बच्चों को कह रहा हूँ जल्दी सो जाओ, तो पहले तो मुझे अमल करना पड़ेगा, माँ बाप को अर्ली सोने की आदत डालनी पड़ेगी ताकि बच्चों को आदत डले, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल देख कर वो फॉलो कर रहे होते हैं। फिर आपने उनको दुनिया जितनी खुली दे दी है, यानी कि अगर उनके हाथ में आपने लैपटॉप मोबाइल दे दिया है तो वो दुनिया से कनेक्टेड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर आपने उनके हवाले कर दिया और आपने खुद फोकस नहीं किया, उनका जिम करना अच्छी बात है, वॉक उससे ज्यादा अच्छी बात है, तो मैं उसके लिए तो खैर मैं एग्री हूँ कि उनको वॉक भी करनी चाहिए, जिमिंग भी करनी चाहिए, और जो भी डिपेंड करता है उनके ऊपर। लेकिन खाने पीने के मामलात में जहन में रखिएगा कि हमारे घर में एक ऐसी डॉक्टर है जिसे हम माँ भी कहते हैं, जो बीवी भी हो सकती है, जो बहन भी हो सकती है, जो आपके किचन में है वो आपके घर की डॉक्टर है, जहन में रखिएगा। आपने अगर किचन पर तवज्जो नहीं दी, पहले तो ये आप सोच लें कि आपके घर में आता क्या है, क्या वाकई ऑर्गेनिक खा रहे हैं, क्या वाकई आप अच्छा खा रहे हैं। और अच्छे से मुराद में समझा देता हूं सबके लिए ये मैसेज है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कुरान में 70 से ज्यादा वाक चीज को दोहराते हैं, तुम खाओ सब कुछ मगर तैयब और हलाल। सुभान अल्लाह तैयब। अब आप ये समझिएगा, एक चीज से समझ लीजिएगा, मेरे हाथ में ये फार्मी मुर्गी है और ये देसी मुर्गी है। ये फार्मी मुर्गी 40 दिन 45 दिन के अंदर 3 किलो बन जाएगी, मगर ये 6 महीने में नहीं बन सकती, देसी 6 महीने में नहीं बन सकती, और ये कुकुरुकू कर लेगी, ये जिंदगी भर नहीं करती। ये जिंदा भी है, ये जिंदा भी है। तो ये फार्मी हलाल तो है मगर तैयब नहीं है, ये हलाल भी है तैयब भी है। अब आप घर में डब्बा देख लो किस किस का आता है, कौन कौन से आप खरीदते हो तेल, कौन कौन सी चीजें आपके किचन में आ रही है। अगर यहां आपने पकड़ाई नहीं की तो एक ना एक दिन आप अपने घर में डॉक्टर के नाम की कमेटी डाल दें भैया। बिल्कुल सही। आपने मुझे एक बार कहा था ना, मैं उस वक्त से सरसों के तेल में खाना पका रही हूं। सरसों का लें, ऑलिव ऑयल लें, आप देसी मुर्गी लें, आप बहुत ऑप्शन है। किस तरह आप ऑप्शन ढूंढते हो कि दुनिया में कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो उससे इलाज कराऊंगा, उधर ऑप्शन मत ढूंढ, खाने में ढूंढ सही अच्छा क्या। फिर खाने का स्टाइल, सुबह का नाश्ता ही नहीं हमारा, बॉडी कनेक्टेड टू सोलर है, नहीं तो सूरह अंबिया जी 16-17 नंबर आयत पढ़ लीजिए। तो अल्लाह ताला ने हमारा एक सिस्टम बनाया है, सूरज निकलता है तो मैदा कहता है दो मुझे लकड़ी पत्थर में हजम करूं। हमारी अक्सरियत पाकिस्तानी चाय पापी दे रही है। अच्छा एक बार आपने कहा था कि सुबह उठ के जैसे या तो लोग नीम गर्म पानी पी लेते हैं या कोई हल्का फुल्का कहवा पीना चाहिए, तो यकीन करें मैंने देखा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है अगर कंटिन्यूस पी जाए। एक कप भी ये काफी होता है। मैं कह रहा हूँ आधा कप, 1 कप, 1 गिलास जो पी सकते हैं उनको थोड़ा सा नीम गर्म या रूम टेम्परेचर, ठीक है। नीम गर्म पीने से सिर्फ ये फायदा होगा कि जो सारा दिन आप मील लेते हो, एक तो वो आपको डिटॉक्स करने में आसानी करता है, प्लस गैस्ट्रिक नहीं होते। अच्छा। आपके ये मैदे के जो होने वाली बीमारियां हैं जिनमें आप एश पॉलरी ले लो, अल्सर ले लो,
गैसेस बन रही हैं। जैसे अभी छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो आपने मुझे बताया, एक अदरक और इसमें हल्की सी चुटकी जो है वो घर में पीसी हुई हल्दी डालेंगे, यकीन करें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट। बिल्कुल है, डिपेंड करता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। तो सुबह में पानी लिया, अच्छा सा नाश्ते से मुराद क्या होती है, मैं आपको कोई सोडे के बिस्कुट खाने की बात नहीं कर रहा, रात का बचा हुआ खाना है एक रोटी बना ले। बिल्कुल, आप दो ब्रेड ले ले ब्राउन ब्रेड के और एक अंडा ले लें, बेशक। अच्छा वो भी नहीं तो एक सेब खा ले, ओके। एक दूध का गिलास ले लें, जो आपको अच्छा फ्रूट ले लें, बिल्कुल नट्स ले लें। अब देखें नट्स जो है ना, तकरीबन अगर 20-25 ग्राम भी खाएंगे जो कि बहुत ज्यादा है, 20-25 ग्राम की भी टोटल 125 कैलोरीज बनती है। बिल्कुल ठीक है, पेट भरा हुआ भी लगता है। अच्छा कुछ लोगों को भूख ज्यादा लगती है, वो कहते हैं भाई क्या ऐसा खाना चाहिए। अभी लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है उसमें एक दो तीन चीजें हैं, चिया सीड, कुछ लोगों को दही में चिया सीड खिला दिया गया, ओ, उनका खाना आधा हो गया क्योंकि वो ओमेगा 3 है, वो फुल अच्छा तो है लेकिन वो ओमेगा पूरा हो गया, ठीक। तो आप आपको भूख कम लगाता है, कम लगाता है। कुछ लोगों को ऊपर रिसर्च की गई, उनको जो सुबह में जो आप मिला के सीरियल खाते हैं, अच्छा, कुछ लोगों को सीरियल खिलाई गई, कुछ लोगों को सीरियल के साथ अंडा और वो दो स्लाइस खिलाए गए, तो जो सीरियल वाले थे उनमें थकावट भी थी, थोड़ी एनर्जी डाउन भी थी, हालांकि वो मजा देता है खाने में, लेकिन जो अंडा और ब्रेड खाई थी वो उनसे बेहतर थे और रात का डिनर भी उनका पोर्शन कम हो गया। तो हमें खानों में थोड़ी सी सिलेक्ट करनी चाहिए कि हम थोड़ा अच्छा खाएं, कम खाएं, रात की रोटी से डरें, ज्यादा एक आध रोटी खा ले बस, एक बस। शादी में भी जा रहे हैं तो एक खाएं। अरे सर खुदा के लिए, शादी का सुनते ही लोग कहते हैं अभी तो सुबह से खाना ही ना खाए। हाँ, अच्छा कोई नहीं देना होता। तो फिर उसके लेकिन बाद में डॉक्टर बात करते मेरी हंसी में, बाद में डॉक्टर को तो बिल दोगे ना। हाँ, वो बिल, लेकिन वो सोचते थोड़ी। बुजुर्गों ने क्या कहा, ये हजारों साल से, सुबह खाओ बादशाहों की तरह, दोपहर खाओ वजीरों की तरह, रात खाओ फकीरों की तरह। लेकिन अच्छा एक और बात है, चले खाना आप लोग शादी में खा ही लेते हैं, यकीन करो जब भर भर के प्लेट्स लेके जाते हैं ना कि जैसे दोबारा मिलेगा नहीं, तो इतना मेरे बाद में जब मैं निकल रही होती हूँ ना इसे भाई, यकीन करे इतना दिल खफा होता है कि वो प्लेटों में इतना इतना खाना बचा होता है, यदि वो खुद भी नहीं सही खा पाते और किसी के मुंह को भी नहीं लगता। मैं तो कहूंगा अगर दोबारा मिलेगा नहीं, दीन इस्लाम में देखा जाए तो इसकी बड़ी पूछगुछ है, कहीं किसी को पेट भरकर खाना नहीं मिलता, कहीं हम दो दो लोगों का खाना जो है ना वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा खाया रख दिया दूसरा उठाया, तो ये गलत है। सुन्नत में क्या, आप प्लेट को क्लीन करते हैं, सही, साफ सुथरा करते हैं, तो कहने का मकसद है आप उतना लें जितना आप खा सकते हैं, फिर अगर भूख लगे थोड़ा ज्यादा ले लें बाद में, लेकिन अच्छा, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी कि कभी को आप बीमार हो जाए तो वो जौ का दलिया जो है ना, यकीन करें वो सिर्फ ये नहीं कि आप जौ का दलिया को उबाल लें, आप मूंग मसूर की दाल में भी जैसे हलीम बनती है ना उसको भी नमकीन उसमें बना सकते हैं। दुनिया अब ओटमील मांग रही है ना, हाँ, पूरी यूरोप में खाया जा रहा है ना, देखो जरा। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले बताया ना, सुभान अल्लाह, तो दुनिया आज बता रही है ना, दुनिया आज बता रही है, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर, हाँ, इतना पावर है, आपको खाया नहीं, फाइबर है ना, फाइबर है, फाइबर है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस में फरमाया कि दलिये के जो इसको तलमीना कहते हैं, तलमीना, तो बोला कि आपने फरमाया कि जो साबुन से जो मुंह धोते हो जैसे साफ हो जाता है, इस तरह ये आपके मैदे को साफ रखता है, बेशक बेशक, तो आपकी दवाई भी और आपका नाश्ता भी है, यही है, सिलेक्शन करनी है। मैंने कहा ना कोई महंगा महंगा नहीं करना है, अच्छी चीजों की सिलेक्शन करनी है कि ये खाना है। जो देखें इंसान जब कपड़े खरीदता है ना, तो एक दुकान छोड़ता है फिर दूसरी देखता है तीसरी देखता है कि नहीं मैं अच्छा खरीदूंगा, भाई पहन तो ऊपर रहे हो ना, और वो जो इधर गेटवे से अंदर जा रहा है बेशक वो तो आपके जिस्म को अफेक्ट करेगा, और वो आपकी यानी कि आगे भी आपके लिए स्ट्रॉन्गनेस, अगर आपको एक साल अगर आप अच्छा हेल्थ अपनी चूज कर ले, हम क्योंकि गुफ्तगु करें लाइफ स्टाइल पर, तो अच्छा अभी जब आपके नाश्ते की बात कर रहे थे ना, तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मेरे जहन में चल रही थी, अब नबी सल्लम की जब हम बात करते हैं तो खजूर जो है वो सुबह अगर आप एक डाइट में आप एक बॉक्स में रख लें और वो खराब भी नहीं होती, आप फ्रिज में रख लें या बाहर भी रख लें, तो मैं तो कहती हूँ सऊदी अरब में तो वो लोग पूरी पूरी प्लेट्स खा जाते, हम तो दो दाने भी खाते हैं, तो हम कहते हैं पता नहीं कितना खा लिया हम लोगों ने। खजूर में जितने भी विटामिन, प्रोटीन और जितने विटामिन पाए जाते हैं बड़ा लाजवाब है, लेकिन ये है कि अगर आप सपोज करें कि अपनी लाइफ में दो चार दाने भी, अक्सर आप देखेंगे बच्चे जब
जो 12-14 साल वाले स्कूल जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल जल्दी भी होती है बिल्कुल बिल्कुल स्कूल एक कंप्लीट मील है मैं आपको बता दूं अगर आप अच्छा दूध ले लें ठीक है और उसमें दो चॉप करके ओके खजूर डाल दें और 3-4 दाने मुनक्का डाल दें चॉप करके डाले ड्रिंक बना के उनको दे दें कंप्लीट मील है उसकी बस हमारी जो है ना हम लोग अपनी जनरेशन को खुद वो नहीं बूस्ट अप करें फिर बाद में हम ही नहीं बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जाते जैसे डॉक्टर ईसा ने कहा कि हम अगर थोड़ा सा भी बेहतर करें तो हमें वो डॉक्टर की फीसेस बच जाए हमारे दरमियान एक कॉलर है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम अरे वालेकुम अस्सलाम कैसे देख रही है मैं आपको देख रही हूँ साबित बहुत मुबारक हो Thank बहुत you, अच्छा शो जा रहा है ईसा भाई जैसे लोग अगर आपके शो में आ रहे हैं तो यकीन जानिए मैं you, कहती हूँ आपके शो को 4 चांद लग जाएंगे जजाकअल्लाह बहुत शुक्रिया शुक्रिया बहुत मेहरबानी की बात है और ईसा भाई जो बातें बता रहे हैं ना लोग इसको फॉलो करते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा शो जा रहा है और यकीनन एक दिन हम साथ भी बैठे होंगे दोनों हमने स्टार्ट साथ लिया था ना आप बहुत जल्द आएंगी बहुत मुबारक हो बहुत अच्छा जा रहा है बहुत बहुत कामयाबी है जजाकअल्लाह बहुत मोहब्बत है प्यारे दुआएं हैं और मोहब्बत आपको देख रही है देखिए जजाकअल्लाह अल्लाह हाफिज अच्छा जी हाँ खजूरों की बात करी थी तो हम लोग ना इनटेक जो करते हैं ना वो अगर हम बच्चों को शुरू से अगर बेसिक उनको इसकी आदत हैबिट में नहीं है ना उनके तो वो कहते हैं हमें नहीं अच्छा लगता अम्मी ये मत क्योंकि उनको अच्छा एक पर्सन ने बहुत अच्छे उन्होंने क्या कहा कि एक बार वो जैम हम लोग जैम जहली लगाते हैं वो बेचारे बच्चे खाते मुझे नहीं उसने क्या किया खजूरों से उसमें क्रंच करके उन्होंने उसमें नट्स डाले हुए और उसने बॉटल्स में डाले हुए तो ब्रेड पे लगा के खा रहे हैं मैं कह रही हूँ भाई ये क्या है वो तो करेंगे ये ना हमें ये पता है इतनी ताकत मिलती है इसके अंदर क्या क्या आपको क्या पता मैंने कहा नट्स का भी बटर आता ही है ना तो आपने उसको सोते कर लिया है खजूर के अंदर देखो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा बच्चा माशाल्लाह 5-6 साल का वो जाहिर बात है कजन है ये है आइसक्रीम खा रहा है ये खा रहा है तो मैंने उसकी मदर को मैंने कहा ये तो तुम पॉइजन खिला रही हो बिल्कुल सही डिफरेंट जो है ना वो आइसक्रीम फ्लेवर्स कभी कभी चल जाते हैं तो मैंने पता क्या किया मैंने जितने भी मौसम के फल आते हैं वो आइसक्रीम के कप मंगाकर वो सारे फलों का ड्रिंक बनाकर डालकर फ्रिज में डाल देता था वो लॉलीपॉप भी बन रहे हैं आइसक्रीम भी बन रहे अब वो खा आइसक्रीम समझ रहा है लेकिन सोर्स नेचुरल जा रहा है तो मेरे कहने का मकसद है आप खिलाएं अपने बच्चों को और आज के दौर में तो ज्यादा मेहनत करनी है हमारी माओ ने तो जो खिलाना था उस वक्त सारा ऑर्गेनिक था बिल्कुल अब सिलेक्शन करने का मसला है क्योंकि हर चीज आपको वो नहीं मिलेगी मुश्किल हो गई जो हमने बचपन में खाया वो आज 5,000 में का एक टाइम का खाना नहीं खा सकता बेशक क्योंकि वो सारा ऑर्गेनिक था अब तो हर चीज प्रोसेस होकर गुजर रही है हर चीज प्रोसेस जल्दी भी आपने और लेकिन अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है कि हमारे मुल्क में अब भी बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं इधर वो सब्जियां ले लें इधर वो देखें अब होता क्या है हम ये लोगों से कह रहे हैं कि सब्जियां आपके लिए फायदेमंद है अच्छा लोग मजे की बात है ये कह भी रहे हैं कि जी हमारे घर में तो मटन कभी कभी बनता है हम तो खाते ही सब्जियां मजे की बात है सब्जियां नहीं आप घास खा रहे हो क्यों क्योंकि सब्जियों को आप इतना जला देते हो उनमें तो कुछ बचता ही नहीं है न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है तो आपको उन सब्जियों में जो विटामिन हैं भाप में पकाए ना उसे हल्का सा मतलब आप ग्रेवी बना लें बिल्कुल 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 ग्रेवी तैयार रखें आप उसमें चॉप करके डालें हल्का सा पकाए हाफ डन रखें बिल्कुल सही कह रहे हैं अब आप बाहर अभी तो माशाल्लाह देखें ना हमारे आउटलिंग लोगों ने बढ़ा दी मैं ये सिर्फ लोगों से कहता हूँ कि आप कभी आउटडोर जब खाने जाते हो तो आप कभी स्टेक ऑर्डर करते हो तो बराबर में आपको क्या देता है सोते की वो वेजिटेबल बिल्कुल मैश पोटैटो बैग पोटैटो बिल्कुल आप बोलते बहुत अच्छा लगा तो ये हाफ डन जब वहाँ खा रहे तो घर में क्यों नहीं यही तो मसला है अच्छा भाई आप यकीन करो जब वो कभी कभी कुछ लोकल जगह से कभी आपको ना भूख लग रही चले जब फ्रेंच फ्राइज वो इतनी बार वो ऑयल गर्म होता है वो टोटली पॉइजन बन चुका होता है क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कैंसर का जरा सा हमारे घर में कॉलर है हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम साबी कैसी हैं मैं ठीक हूँ जी कौन कहाँ से मैं राबिया कराची से ओके राबिया कराची अच्छा जी क्या पूछना है राबिया प्रोग्राम आप देख रही हैं मैम मैं आपका शो देख रही हूँ आपका शो बहुत अच्छा है और मुझे ईसा भाई से बात करनी है जी बात कीजिए जी बेटा बात सुन रहे हैं वो अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है टांगों में बहुत दर्द रहता है मेरे 3 बेटे हैं तो कोई भी काम करती हूँ तो थक जाती हूँ बहुत जल्दी ना तो मुझे ये पूछना था कि उम्र कितनी है आपकी बेटा
मेरी 28। अरे 28 उम्र में अभी तुम बुजुर्गी वाले बातें कर रहे हो। देखो घुटनों में। नहीं बेटा फिर तुम्हारे साथ मसला क्या होगा, एक तो तुम्हारी कमर में और टांगों में दर्द रहता है ना। सर कोई अच्छा सा कोई टोट का बता दे। वेट पूछो तो बता। नहीं मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ बेटा, टांगों में कमर में दर्द के अलावा आप ये बताएं कि आप पानी भी कम पीती है ना। जी पानी कम पीती हूँ। और जब आपको गुस्सा होता तो बहुत ज्यादा आता होगा। हाँ जी। हाँ खाना थोड़ा चिड़िया की तरह खाती होंगी, आपका पेट भर जाता होगा। जी खाना कम खाती हूँ। और जितना आप सोचती होंगी मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरान सोचते तो 2 मिनट तो बना लेती आप। माशाल्लाह जो कुछ आपको बता रहा हूँ मैजिशियन होंगे। हाँ नहीं वजह है ना, वजह बेटा बुरा नहीं मानना। हाँ। ये मैं आपकी बीमारी को डायग्नोस कर रहा था कि आपको क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उम्र नहीं है। ओके। तो ये मसला नहीं है बेटा, आपको घुटने में दर्द ये कभी नहीं जाएगा, पहले इसकी वजह को पकड़ो। वजह को पकड़ने के लिए वैसे हमारी अक्सर बच्चियों को पता नहीं है, अब ये माएं बन गई इनको पता नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। चले आपने हमें कॉल की, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आपके घर। अच्छा सीन ये हुई, अभी कॉल में मुझे सब्जी वाले की आवाज आ रही थी, जहाँ से आपने कॉल की ना वहां से लगता गली से सब्जी वाला गुजर रहा है। चले जी आप तो बेसिकली बेटा आप जो है आपको लिकोरिया की शिकायत है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये हड्डियों को दीमक की तरह खा जाती है। आप उसका इलाज करें, उसकी दवाई लें, और मेरे YouTube के ऊपर ये दवाई बनाई हुई है, आप जाकर वहाँ लिकोरिया की दवाई तलाश करें और घर वो चीने मंगा लें, और अस्पताल के पंसारी से भी मिल जाएंगी, घर में बनाए सस्ती बनेगी, हमारे पास फिर भी 200-400 रुपए महंगी होगी। और हाँ आप अपने क्लाइंट का भी वो कर देते हैं। नहीं फायदा होना चाहिए इंसानियत का, यही तो आपकी ग्रेटनेस है। अल्लाह कहता है कि इंसानियत का फायदा करो। तो बाकी ये कि अपने पानी का इस्तेमाल थोड़ा बेहतर कर लो बेटा, सुबह का नाश्ता अच्छा कर लो और मेडिसिन अपनी बना लो और फौरन बना लो। अच्छा क्या बनाना पड़ेगा इनको? बेसिकली कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसमें इसगंध है, मूसली है, सिंगाड़ा है, कुछ और जड़ी बूटियां हैं। तो आजकल सीजन का पीरा है। नहीं इनको क्योंकि प्रॉब्लम हो चुकी है तो इसको पहले रूट कोज को रोकना चाहिए। अगर ये दर्द की दवाइयां खाएंगी रूट कोज अपनी जगह रहेगा तो उसको वक्ती तौर पर फायदा होगा, तो बेहतर है जड़ का इलाज किया। बेशक बेशक। तो ये तमाम चीजें लेनी पड़ेगी इन्हें। हाँ इनको आसानी से मिल जाएंगे। ओके। और मैं इंशाल्लाह अगले शो में आऊँ तो इसके ऊपर बना के भी दिखाऊंगा लोगों को। ये बहुत अच्छा कि कैसे बनता है। बेशक हम इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो भी चीज होती है जैसे पंसारी से इजिएस्ट मिल जाती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ही हम लोग स्केलेटन पे करें ना, हमारी बोन्स वीक हो रही है और हम लोग ये तमाम चीजें भूल जाते हैं। बोन वीक होने की भी थोड़ी वजह है ना, ये तो हो गई बीमारी। ठीक है। अब बोन तो हम देखें, विटामिन डी कराची में चेक कराओ, अक्सरियत का नहीं है। विटामिन डी की गोली खाते रहो खाते रहो खाते रहो लाइफ टाइम। अबे मूसली सफेद ले लो ना। सफेद मूसली को किस किस अंदाज में हम ऑर्डर करके रख लें, आप आधी चमची दही में ले लें, अच्छा उसमें दूध में ले लें, वैसे पानी से ले लें, 2-4 महीने खाएं, आपकी विटामिन डी इतनी बन जाएगी, फिर एक्सपायरी भी नहीं है क्योंकि केमिकल नहीं है। बिलाल अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज जाते हुए मुझे ना पंसारी से सफेद मूसली दिलवा दीजिए। एंड सेकंडली मैं अपने असिस्टेंट से बात, देसी अंडे में अल्लाह ताला ने विटामिन डी बहुत रखा है। नाश्ता का नाश्ता हो गया ना, बॉयल अंडा करो ना, देसी की बात करो, बॉयल अंडा खाओ, उसमें भी अल्लाह ताला ने पूरा विटामिन डी रखा हुआ है। लेकिन वो वाला हो ना, बॉयल अंडा वाला देसी अंडा प्लीज। हाँ देसी अंडा उसमें होता बिल्कुल छोट, लेकिन वो फायदेमंद बहुत होता है। बड़े अल्लाह की नेमत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, तो हमें अपने जो इधर उधर पैसे लगाने हम अपने उन चीजों पे लगाएं। लेकिन आपकी सेहत है ना, बुजुर्ग क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बस सलामती के साथ सेहत सेहत जो है, क्या बात है। और किसी भी 5-स्टार, अब मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल को कहता हूँ 5-स्टार हॉस्पिटल, 5-स्टार हॉस्पिटल के बेड से अपने घर की चरपाई अच्छी। क्या बात की है, खुदा की समय भुगत चुकी हूँ बाखुदा। तो अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे और हमने अपने सेहत का ख्याल, और अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है और कम से कम 100 साल तो जियो, और सबसे बड़ी खूबसूरत नेमत है तो कम से कम सेहत वाली जिंदगी बाखुदा। जब भी आप मांगे जिंदगी सेहत वाली बाखुदा, ये ऐसी गॉड गिफ्टेड चीज है। अच्छा आप कभी भी ना
अपने से अपर को देख के मत हैप्पी हो, बल्कि कोशिश करें कि अपने से लोअर को देखें और उनसे फिर आपको फील होगा कि कितने बेटर हो। उनको देखें जिनको अल्लाह ने कह रहे अल्लाह मुझे बहुत डर लगता है, अल्लाह पाक जैसे शुगर हो जाती है, ये कैसी बीमारी है, सारी जिंदगी कहते कब्र तक जाती है, अभी किसी को कैंसर हो जाता है तो वो जब सुनती हूँ कीमियोथेरेपी करवा रही है तो मैं कहती हूँ अल्लाह, मैं फौरन जाके मैं जब मतलब सुनता है फैमिली में कहीं फ्रेंड्स में हल्का है बाप में यकीन करे जाके सजदा अल्लाह जाके मैं वो मैंने काबे की तस्वीर जाके चूमती हूँ, मैं कह रहा रब्बा तूने मुझे बहुत अच्छा पैदा किया बा खुदा। एक अंदर से ना वो एक निकलती कि हम तो छोटी छोटी चीजों में एकदम वो हो जाते हैं ना, डॉक्टर साहब सही कह रहे हो कि हम कहते हैं हमें वो ये हो गया यार हड्डियों में दर्द हो गया, लेकिन उनसे बेटर है हम लोग जिनको हर वक्त ये फील होता है कि यार हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना ये नहीं खाना। मैं चंद पॉइंट लोगों को बता देता हूँ जी, आपने अगर अच्छी जिंदगी रखनी है जी सर, एक तो हमारी अक्सरियत बीमार होकर तलाश करती है कि मुझे क्या खाना चाहिए, नहीं सेहतमंद है फिर सोचे, बेशक बीमारी के बाद नहीं सेहतमंद है, सुबह उठकर अल्लाह ताला का नाम लेकर थोड़ा पानी पिया, चुटकी कलौंजी की आदत डाल दें, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की कलौंजी जिन्होंने 7 साल में, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जिन बच्चों को 7 साल पहले हमने स्टार्ट कराई थी आज वो बच्चे 22 साल के, तो 15 साल तो हो गए, 15 साल में उनकी माए ये क्लेम नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा कभी डॉक्टर के पास गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्योंकि इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, लेकिन हम कब खा रहे होते हैं जब हम बीमार हो चुके होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कलौंजी खाया करें, और कलौंजी मौत के अलावा किसी बीमारी को करीब नहीं आने देती। अच्छा इसे किसी वक्त भी खा सकते, कुछ नेसेसरी की बेस्ट है, नहीं किसी वक्त भी खा ले, बस एक चुटकी ली और पानी पी लिया, चबा लिया और पानी पी लिया, चबा लिया निकल लिया, उसके अंदर ऑयल होता है तो चबाना इज द बेस्ट। देखा ना सीड है उसके अंदर ऑयल है, जिस सीड के अंदर ऑयल होगा। अच्छा दूसरा अनार, अच्छा मैं इसका कुल्ली तौर पर बता देता हूँ, सही बुखारी किताबुल मर्ज है, जिल्द नंबर 7 है, हदीस नंबर 5669 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह नहीं उतारेगा जमीन पर उस बीमारी को जिसकी अल्लाह दवाई पहले न उतार ले, तो कौन सी पहले दवाई उतरती है जहन में रखिएगा, हर मौसम में जब कोई फल आए जब कोई सब्जी आए आप और मुझे होशियार हो जाना चाहिए कि कोई बीमारी आने वाली है। बना रहा हुआ ना देखो खाइए, मिठा आया था किसी ने नहीं खाया, मिठा आया और मिठा जब खत्म होता है तब डेंगू आता है, तो जिसने मिठे खाए उसे डेंगू नहीं हो सकता, क्या बात है। बस तो हर मौसम का फल खाए, आप ये ना कहेंगे मुझे बैंगन पसंद नहीं है मैं भिंडी नहीं खा सकती, फिर एक ना एक दिन मेरे पास आएंगे 2500 की भिंडी खाने, क्योंकि हर्बलिस्ट तो दवाई की सब्जी डालेगा ना। बता दिया कि हाँ नहीं ओपनली बता रहे हैं, फेयर बात बता रहे हैं कि एक वक्त होगा फिर आपको इनके पास या कहीं पर कंसल्टेंट, पानी का इंटेक अच्छा रखें, रात में नींद अच्छी रखें, और दूसरा दरगुजर करें। अरे क्या बात, प्यारी बहुत खूबसूरत एंड में बात कह रही है, दर गुजर माफ करें, और जब हम खुद अल्लाह पाक से रोजाना कहते हैं अल्लाह मुझे माफ कर, हम अपनी वजह से माफ नहीं करें, जहाँ अल्लाह की रजा की वजह से माफ करेंगे ना तो गम नहीं होगा कभी भी, फिर वो गम में आपको रहने नहीं देगा। खूबसूरत आपकी आपकी खूबसूरत बात मेरे इजाफा किए जा रहे हैं कि फिर गम नहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, और आपने नेक्स्ट भी मेरे साथ ज्वाइन करना है, एवरी ट्यूसडे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम चाहते हैं हम अपनी प्यारी बातों से लोगों को हेल्थ अवेयरनेस दे सके। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने जब हमने कोशिश की हेल्थ अवेयरनेस, और इतने सीनियर मैजिशियन है हेल्थ के जिन्होंने आज आपसे बहुत प्यारी बातें की, और हमने कोशिश की कि हम आपको अवेयर कर सके, आप अपने थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अच्छा कर दें तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। और तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, अल्लाह पाक की गॉड गिफ्टेड नेमत है। आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है, क्योंकि हम यहाँ पर रहेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। और इस वक्त हम है गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन में, और यहाँ पर है आज, अच्छा मैं हमेशा हमारे किचन में डिफरेंट शेफ यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी ने एक सोचा है, और हमारे मॉर्निंग शो का जो स्पेशलिटी ये है कि हम टैलेंटेड लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, वो टैलेंटेड है, सिर्फ हम लोग उनको यहाँ पर एक्सपोजर दे रहे हैं कि वो और मजीद पूरे मुल्क में या वेनस टीवी जहाँ जहाँ देखा जा रहा है वहाँ पर इन लोगों को देखा जाए, और इनका बिजनेस भी डेवलप हो और इनको फेम भी मिले। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर आपने देखोगे बहुत
इंग्रेडिएंट्स नहीं है. समटाइम ये होता है कि हम क्विकली ऐसे काम करते हैं जो बहुत इजीएस्ट टू कुक होते हैं. और ख़ासतौर पे जैसे आज सुबह लाइफ स्टाइल की बात करी थी, तो बच्चों के लिए भी हम कुछ ना कुछ नट्स या इस तरह चीज़ें बनाते हैं. तो आज हम लोगों ने जो है ना बहुत ही क्विकली एक रेसिपी यहाँ पर मैंशन की है. और मेरे दरमियान शेफ अदीम मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा, इन्होंने एक बहुत बड़ी मुझे डिश बताई थी, तो मैंने कहा वो एक किसी और दिन हम करेंगे, लेकिन आज हमारा क्योंकि हेल्थ का सेगमेंट था तो मैं उससे रेलेवेंट चाह रही थी कि क्विकली कुछ ऐसा हो जिसमें हम अपनी हेल्थ भी, न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी कर लें और बच्चे भी एंटरटेन हो जाए. और हमारी जो खासतौर पर ये लड़के हैं ना जो कॉलेज गोइंग और इस तरह, इनको भी हम एंटरटेन कर दें. तो अदीम मुझे बताएं आज ये इंग्रेडिएंट्स, तो हम इसी में सब कुछ अपने यानी कि फ्रीज करके जैसे कहते हैं हम रख सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल, बाजार से लेने से बेहतर है, तो आप घर में भी बना सकते हो. अब बताओ अदीम इसमें क्या क्या है? ये चिकन फ्रेंच फ्राइज है ये, ठीक है. इसमें चिकन का कीमा इस्तेमाल हुआ है और इसमें ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, सॉल्ट एंड इसको हमने कीमा बना के फ्रेंच फ्राइज की इसको शेप देनी है. ओके. फिर इसके अंदर हमने अंडा लगाने के बाद उसपे ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्रीज करना. और यकीन करें ये भी मतलब जरा सा कूल ठंडे से हो रहा है, यानी कि आप इसे अच्छा, इसको कीमे के अलावा हम इसको जिस तरह ये आप डायरेक्ट फिले की कटिंग करके चिकन तो वैसे इतनी जल्दी गल जाती है, चिकन जल्दी गल जाती है. अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि इसके ऊपर अब काली मिर्चें और या व्हाइट पेपर वो करते हैं या ब्लैक पेपर भी यूज, जो आपको टेस्ट में अच्छे लगते हैं. नुकसान भी नहीं देते व्हाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर? नहीं, ज्यादा बच्चे खा भी लेते हैं आसानी से, ये बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होती. बच्चे मतलब चलते फिरते हैं, खानी हो निकाल दिया, शाम में निकाल दिया आपने बच्चों के लिए, दिन में निकाल दिया खाने के लिए. बच्चे जब खाना नहीं खाते तो बच्चे इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये खा लेते हैं. क्या बात है, बहुत यानी कि ये बहुत अच्छी, इसीलिए मैंने कहा ना आज हमने बहुत ज्यादा ये वो दो तीन चीजें, इसीलिए हमने कहा यानी इजी टू कुक, हम ये कह सकते हैं इजी टू कुक, बहुत इजीएस्ट. आप पहले से ही जैसे मैंने देखा जो जॉब में खवातीन काम करती हैं या मर्द हजरात भी काम करते हैं, तो उन फैमिलीज के लिए ये पहले से, वो खवातीन जो बैंक में जॉब करती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो इससे पहले वो सैटरडे संडे जो उनको ऑफ होता है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आप डिफ्रीज कर सकते हैं. उसके बाद क्या ये फ्रीज और फ्रोजन आइटम जो है ये ईजिएस्ट जो है हम उसको जो है बस जस्ट ऑयल गर्म करेंगे जी, ऑयल गर्म करना है उसको बस दो दो मिनट तीन तीन मिनट फ्राई करने और हम खाना शुरू कर देंगे दोनों. चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं. और नाजिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस वक्त अदीम शेफ मौजूद है और आज हमने इजी टू कुक रेसिपी फ्रोजन आइटम जो हम लोग बाजार से लेते हैं, तो आप प्लीज कोशिश करें क्योंकि वो पता नहीं कितनी बार ऑयल यूज हो चुका होता है, तो आप कोशिश करें कि आप इसे घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हल्का सा जैसे गर्म हो चुका है और ये बहुत क्रिस्पी टाइप के बनेंगे ऐसा ही है जी जी भाई. यस, क्योंकि हमेशा इसको डीप फ्राई करने की भी जरूरत नहीं है, बस हल्के से ऑयल में इसको फ्राई करें. ओके, ये खुद ही क्रिस्पी हो जाएगा. ये क्या बात है, यानी फुल कढ़ाई में फ्राई करने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन. यानी कि हम हर चीज अल्टरनेटिव कर सकते हैं जैसे हम कह सकते हैं, यानी कि कम ऑयल में, अभी भी ऑयल पड़ा हुआ है लेकिन इन्होंने कहा कि कम ऑयल में हमने इसे, अब ये एक साइड से हो जाएंगे तो हम इसे बड़े इजिएस्ट जो है वो टर्न भी कर सकते हैं. और बच्चे जो है यकीन करें इस वक्त जो देख रहे होंगे, जिन्होंने अभी भी जिनकी गुड मॉर्निंग होगी तो गुड मॉर्निंग में सभी बिल्कुल आप ऑन करेंगे तो दिल करेगा कि यार ये कोशिश करूं मैं कैमरे में से निकाल के खाना शुरू करें. तो अच्छा, आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही है वो बताएं, माशाल्लाह एजुकेशन के बारे में हमारे यहाँ पे नाजरीन देख रहे हैं. GDIC में कौथम से मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया माशाल्लाह. इसके अलावा मेरी रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ, एयरपोर्ट के अपोजिट डिकला यूनिवर्सिटी के सामने है, फायर एंड फ्लेवर के नाम से माशाल्लाह. ठीक है, मैं वहाँ पे होता हूँ 4 से लेकर रात 2 बजे तक माशाल्लाह. आप यूनिफॉर्म में बहुत प्यारे लग रहे हो भाई. ये देखिए ये हमारे जो ये छोटे छोटे बहन भाई होते हैं ना, ये बड़ा प्यारा सा एक हमारा रिश्ता होता है, तो हमें इनको बकअप करना अपने बहन भाइयों को जो आगे काम कर रहे हैं. तो चंदा मेरी बहुत सारी आपकी बेस्ट विशेस आपके लिए. और ये कौतम में भी है माशा लिखते सर ICM, पता नहीं क्या क्या इस बच्चे ने इतने सारे लोगों, मुझे लग रहा है एक वक्त होगा इसने इतने सारे मेडल्स पहने हुए होंगे, ऐसा है इंशाल्लाह. माई बेस्ट विशेस फॉर यू. और साथ साथ हम गपशप भी कर रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और साथ साथ माशाल्लाह ये मेकिंग भी हो रही है और ये फ्राई भी हो रहा है. अच्छा जी, जब इस फील्ड में आप आए थे तो किसी ने नहीं कहा यार ये तो खवातीन का काम है, तुम क्या खाने पका रहे हो घर में? अल्लाह का शुक्र ऐसा किसी ने नहीं कहा, बल्कि मुझे तो बहुत से लोगों ने सपोर्ट करी कि नहीं अगर तुम्हें इस चीज का शौक है तो तुम यही करो, उस चीज का नहीं करो जो चीज का शौक ही नहीं है तो मतलब उधर जाने का फजूल है. तो मगर ये मुझे शौक बचपन से शौक था, मुझे कुकिंग बिजनेस का, बिजनेस शौक का, बिजनेस का बिजनेस इंशाल्लाह फिर अपना बिजनेस भी हो जाएगा, अपना रेस्टोरेंट खोल लोगे? जबरदस्त. अच्छा जी, हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा जी नाज़रीन आप
स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं बिल्कुल, और हम इसको ये देखो, अरे वाह भाई वाह, कोई नीचे नहीं चिपके, नहीं बिल्कुल भी, ये बड़ी बात है भाई। एक और स्पून छोटी ले लें, हम इसको इस तरह कर लें, एक और दो, ये हमारा देसी तरीका, ये हमने पकड़ा स्पून लाइन दे हमें, कोई बात नहीं, लाइफ शो में सब चलता है, सब चलता है। ये देखा मेरा दिल कर रहा है मैं भी करूँ। अच्छा इजी हो रही, वो भाई बस अच्छा बड़े हार्ट से हो गए, इसे ब्राउन ब्राउन से हो रहे, थोड़ा मुझे दिखाना, मुझे ज्यादा देना, मैं हेल्प करवा रही हूँ ना। लुक एट दिस नाजरीन, देखिए हल्का हल्का ब्राउन सा हो गया ना, बहुत जबरदस्त। ये देखिए राउंड हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर वो हुआ कि हम समझे कि बहुत डीप फ्राई हो। तो ये मेरे जहन में पता क्या था, मैं सच बताऊँ, मैं समझी कि ना आप इतने कम ऑयल में करेंगे ना तो ये नीचे चिपक जाएंगे बाखुदा, लेकिन आप तो बहुत जीनियस है भाई, ये एक्सपर्टीज है आपकी, आप बड़े एक्सपर्ट है भाई। एंड थैंक्स फॉर मैम सुमैया, थैंक यू सो मच, आपने इनको रेकमेंड किया, और बहुत नाइस लेडी है जो औरों को आगे बूस्टअप करती है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए कि दूसरों को हमेशा दूसरों के लिए जगह बनाए, तो अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी इसी तरह आसानियां पैदा करेगा। एंड थैंक्स जी, ये हो गया है हमारे पास, यस दोनों बहन भाई लगे हुए टिन पिन, और आप लोग अपने घर में भी स्नैक्स बना सकते हैं, दैट्स गुड। कुछ अभी रह गए हैं, और हम चाहते हैं बस इनको थोड़ा सा, ये ऐसे हमने इसको कर दिया। अच्छा मुझे एक और जो है लाइव स्ट्रीम पर भी देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम को रिपीट शो जो है गुड मॉर्निंग विद सभी, जो मॉर्निंग शो आप डेली एवरी मंडे टू फ्राइडे जो है 10 AM 12 तक आप लोग देखते हैं 2 घंटे, इसको रिपीट शो में भी आप देख सकते हैं रात को 12 बजे, ये बिल्कुल रिपीट शो चलता है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, मुझे जहन में आ गया, अरे मैं बादाम खाना शुरू कर दूँ, भूल जा रही हूँ सुबह मुझे बताना था लाइव, मुझे इंट्रो में, अच्छा मेरी बातों से ऐसे, असल में बच्चे जब यहाँ आते हैं ना जो भी, तो मुझसे आप पूछेंगी क्या, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले पूछूंगी कि आपको मुर्गा कैसे बनाया जाए या मुर्गी कैसे बनाई जाए तो ये जरा सा मैं जोक करती हूँ, जरा कंफर्टेबल जोन हो जाता है, क्योंकि हर पर्सन जो है कैमरे को फेस करना, आपको यहाँ आना कैसे लगा, मुझसे मिलना कैसे लगा बाजी से मिलना, यहाँ पे आना, और मैं जैसे मेरे पास बात हुई थी, मैंने कहा यार मना तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम है ये, तो मैंने कहा जाना चाहिए, क्या बात है, और सीखने को भी मिलेगा। लेकिन तुम्हारी वो डिश मैं कभी नहीं, जो आपने मुझे बताई थी ना, आप मुझे जब बोलेंगे मैं इंशाल्लाह वो डिश ले आऊंगा, नहीं मैं आपको बोलूंगी नहीं, आपने मैं आपको आज से कह रही हूं, थर्सडे को जो आपने वो उस डिश का नाम क्या है, उसका नाम है चीजी लावा, चिकन लावा कहते हैं उसको, जब चिकन बताओ उसके इंग्रेडिएंट्स अभी बताओ, जरा हम सुन रहे हैं, चिकन का कीमा वगैरह बनता है और उसके अंदर चीज स्टफ की जाती है, फिर उसको पूरी पेटी बना करके उसके अंदर अंडे में लगा के ब्रेड क्रम्स लगा के उसको फ्रीज करते हैं, सेकंड टाइम अंडे लगा के ब्रेड क्रम्स लगा के उसको फ्रीज करते हैं, फिर उसको हम हल्का सा डीप फ्राई करते हैं, तो हम उसको कट करते हैं, तो हमारी जैसे पिज्जा हम लोग उठाते हैं ना, उस चिकन के अंदर से पिज्जा की स्लाइस निकलती है, भाई तो नहीं जमी जमी बातें कर। अच्छा एक बात कहना और चाहूंगी शिवादे, वो जी इसे, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम, मेरे जहन में हमेशा मेरे जहन में दिल करता है पेटिस जो है ना, वेजिटेबल पेटिस जिसमें शिमला मिर्चें हो, कैबेज हो, ठीक है ना, और लाइक और क्या हो, गाजर हो, ये ऐसी इंग्रीडियंट, हाँ ऐसे जो हमारे इंग्रीडियंट्स न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करे, तो मेरा बहुत दिल करता है कि हम हमेशा बर्गर बनता है और फ्राइड चीजें भी बनती है, लेकिन मुझे नहीं, इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे, इसका बहुत दिल करता है, क्योंकि बाजार के कुछ होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है बहुत, उसमें कभी कभी वो बिल्कुल बाहर के जो बार बार वो लोग गर्म करके ही दे देते हैं, और मजे का नहीं होता, और जो फ्रेश खाने में मजा है वो आपको 2-3 दिन, और खास में जब ऊपर ब्राउन लेयर होती है क्रिस्पी सी होती है वो, उस वक्त तो वो मुझे बताए ना, वो फिर आप नेक्स्ट में नेक्स्ट कभी आपका माइंड हो तो इंशाल्लाह आप जब बोलेंगे इंशाल्लाह फिर वो भी बनाएंगे, लेकिन पहले वो तुम्हारी डिश, वो डिश है। अच्छा जी हम लोग दोनों, जी जी मेरे अपने भाई जो है इस वक्त मुंह बोले भाई ताजे ताजे बने, जैसे ताजा ताजा बनाए तो हम दोनों मिलके बना रहे हैं, और आप लोग अपने घर में भी मिलके अगर मेकिंग करेंगे तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, और ये होती हैं चीजें जो हम बिल्कुल अपने उन चीजों से दूर हो गए, और बस हमने जिम्मेदारी दे दी है बीवियों को और बहनों को, बस उन्होंने खाना पकाना, क्या पकाना, दाल चावल क्या बना रहे, कढ़ी बना रहे हो, थोड़े उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें, सुबह भी मैंने आपसे यही मैसेज शेयर किया था, तो ये वो चीजें हैं जो आपको करीब कर लेती हैं, और ये यादें हैं खूबसूरत। गुड मॉर्निंग विद सभी, इस वक्त आप वॉच कर रहे हैं, और ये है कुकिंग शो, और हम लगाते हैं यहाँ पर तड़का,
और मजे मजे के खाने, मजे मजे की डिशेस और मॉर्निंग शो आपने देखा। इसके अलावा मैंने सुना आपने, क्योंकि शेयर होते हैं क्लिप्स वगैरह भी, तो यहाँ पर आपको आना भी बहुत अच्छा लगा। तो दिल करता है कि ऐसे ऐसे इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स, लोगों को मोटिवेशन, लोगों को सीखने को बहुत मिलती है जी। असल में अब आज भी बहुत से घरों में वही रेसिपीज चल रही है, जो मतलब घर में धनिया पुदीना मसाले रखे हुए, अब बहुत सारे मसाले नए आ गए। ओके ठीक है, अब शॉप पे जाएंगे आप उसको नए मसाले का नाम देंगे, वो आपको देगा। ठीक है ना, अभी भी बहुत से घरों में सिर्फ धनिया पुदीना मिर्चें वही तक हल्दी पीसी मिर्चें तक रह गए। अब लहसुन पीस के इस्तेमाल करते थे, आज तक लहसुन पीस के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी फ्लेवर्स वगैरह आते हैं, नेचुरल्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है खाने में। ठीक है, आप मार्केट में जो खाना खाते हैं वो इतना मजे का क्यों होता है, वो थोड़े डिफरेंट मसालों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आप घर पे भी वो मसालों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह घर पे भी खाना अच्छा। अभी मैं एक और बात कहूंगी कि बहुत अच्छा था कि हमें वाकई में चेंज आ रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा। अच्छा, एक और बात है कि डिफरेंट कंट्रीज के खाने भी आप लोगों ने सीखे होंगे, जैसे इटालियन एंड टर्किश एंड जापानीज इस तरह, तो उनके खानों में और हमारे खानों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? थोड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं, थोड़ा ऑयली खाना खाते हैं, और थोड़ा मतलब देसी फूड्स बिल्कुल ही अलग है उनके मुकाबले में। अच्छा, ड्राई खाना होता है उनका। अच्छा, और नॉन स्पाइसी होता है। ओके, मैक्सिकन थोड़ा स्पाइसी खाना होता है। अच्छा, मैक्सिकन थोड़ा स्पाइसी होता है। पसंद करते हैं हमारी बिरयानी, जैसे मैं अभी मिली थी, वो गई थी ना, वो अभी इंटरनेशनल शेफ डे हुआ था। अच्छा, मैं उसके बारे में बताऊंगी, थोड़ा मैं चाह रही हो गया या फ्लेम थोड़ा और मतलब ऑन करे। अच्छा जी, बस हम इसको डिश आउट करते हैं, टाइम इज ओवर, वो प्लेट मुझे पकड़ाना, तो मेरे ख्याल में हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से, क्योंकि हम लोग इसे डिश आउट कर देखें। ये है यमी एंड क्रिस्पी और That's good. और हम मेरे घर में अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद लेंगे। अदीम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, ये देखे ब्राउन हल्के हल्के और बिल्कुल भी नहीं चिपके, और ये हो गई स्नैक, कहेंगे हमें क्या डिश कहेंगे ऐसे, सॉरी मैं भूली, ये अपना चिकन फ्रेंच फ्राइज है जी, चिकन फ्रेंच फ्राइज। बहुत जबरदस्त, एंड थैंक्स फॉर कमिंग, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इसके साथ फिर आपके साथ एक और एक्सक्लूसिव जो है कुकिंग सेगमेंट करेंगे। जी नाजरीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और ये है आपका पसंदीदा सेगमेंट, ब्यूटी सेगमेंट। और आप देख रहे हैं आगे कितनी सारी डमीज प्रेजेंट हुई हुई हैं, और बहुत प्यारे हेयर स्टाइल्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। अगर प्लीज शहजाद भाई, अगर इसको थोड़ा सा अगर हो सकता है क्लिप नजर आ सके तो अभी। अच्छा चले जी, इसको भी हम दिखाएंगे, और ये वन बाय वन आप देखें तो। अच्छा, मेरे पास आज जो है बहुत ही रंगारंग महफिल यहाँ पर ब्यूटिशियंस की है, और आज हमने आपको तीनों काम सिखाने हैं, हेयर कट भी, हेयर ब्राइडल हेयर स्टाइल भी, और ब्राइडल मेकओवर भी, है ना मजे की बात। तो आर यू रेडी विथ मी, और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इन नंबर्स पे रब्ता भी कर सकते हैं। तो आज हमारे दरमियान गेस्ट कौन कौन है जो यहाँ पर माशाल्लाह जो है अपने प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे। मैं थैंक्स करती हूँ PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री का, जो मुझे माशाल्लाह बहुत सारी ब्यूटिशियंस रेकमेंड करती हैं, और वहाँ के बहुत सारे मेंबर्स हैं ब्यूटिशियंस की, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक्स PBI, और PBI से इस वक्त यहाँ पर कौन कौन मौजूद है जो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट करेंगे। तो मेरे बिल्कुल फर्स्ट साइड पर यहाँ पर राइट हैंड पर मौजूद है रूबीना। अस्सलाम वालेकुम रूबीना, फ्रॉम रोशनी सैलून से जी। रोशनियां पैदा रही हो, खुद इतनी प्यारी रोशन सी हो। अच्छा जी, आज इन्होंने क्या करना है, ब्राइडल मेकअप किया हुआ है जी, मेकअप किया हुआ है, हेयर स्टाइल डन करना है। अच्छा, हेयर स्टाइल का नाम क्या, ब्राइडल तो हेयर स्टाइल ही, मतलब क्या इसमें क्या क्या होगा? वेव्स बनाऊंगी साइड से, और बैक से इनको जूड़ा बनाऊंगी, जैसे वलीमे की ब्राइड का जैसा मेकअप होता है। ओके ओके, ठीक है, ऐसा मेकअप। अच्छा जी, आप स्टार्ट लें फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल इनके बराबर में जो है खड़ी है इस वक्त समीना कशल सैलून से। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज आपने वलीमे की, तो माशाल्लाह इनकी ब्राइड मौजूद है यहाँ पे, इनका काम यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है। देखें जरा इनकी ब्राइड, बहुत जबरदस्त इन्होंने ब्राइड बनाई है, वो है वलीमे की ब्राइड, वो मेरे पास यहीं पे बिठा दिया, मैंने कहा आप आराम से आप रेडी हो यहाँ पे बैठो। अच्छा समीना जो है वो मुझे बताए, समीना आज आप ब्राइडल मेकओवर सिखा रही है, हेयर स्टाइल तो आप बना रही है जी, जी। लेकिन आज ब्राइडल मेकओवर कैसा चल रहा है आजकल? ब्राइडल सॉफ्ट मेकओवर आजकल जो है ना, सॉफ्ट पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ड्रेस तो बड़ा हैवी है
बस मेकअप सॉफ्ट हो। ओके, देखते हैं आज आपका काम कैसा होगा। अच्छा, उसके बराबर में मेरी बड़ी प्यारी सी बहन यहाँ पे खड़ी है, शबाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे शबाना? शबाना है माम सैलून से, और वो आज कौन सा हेयर कट बताओगी शबाना? फुल लेयर्स विद बैंड्स। फुल लेयर्स विद बैंड्स। ओहो, जबरदस्त। तो जी हो गई है ना रमजान तकरीब पीबीआई की जानिब से, एक जो है यहाँ पर माशाल्लाह तमाम ब्यूटीशियन। आप लोग काम शुरू करें तो मैं अपनी नाज़रीन से जरा बात करती हूँ। और यहाँ पर देखें, इसलिए मैंने जो है मैं भी यहाँ पर कुछ डमीज भी देख रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि इसको भी आप जरा फोकस करें। और वन बाय वन ये जो रुबीना ने जो है यहाँ पर कुछ अपने, अब मैं रुबीना अब आपसे भी मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी यहाँ आके आप कुछ हेयर स्टाइल सिखाए। जी, और ये जी रुबीना ने स्टार्ट कर लिया, मैं रुबीना का भी जरा मैं देखना चाहूंगी। ये क्या कर रही है, फोल्ड? ये बैक कॉमिंग के मतलब आजकल बहुत से लोग होते हैं ना कि हमें बैक कॉमिंग नहीं करवानी, तो फिर डोनट लगा के आप ऐसे कवर कर सकते हो। शहजाद भी मैं चाहूंगी फोकस कीजिएगा जरा रुबीना को, ये जो हेयर स्टाइल बना रही है तो इनका जरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ हेयर स्टाइल लड़कियां सीखें। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या किया, इनके आगे के बालों को पार्टीशन में लिया? जी, मैंने पहले बाल क्रिम्प किए थे ताकि वॉल्यूम आ जाए बालों में, क्योंकि आजकल ज्यादातर नॉर्मली यही होता है कि बाल बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, तो अगर क्रिम्प कर लेते हैं तो उसमें वॉल्यूम आ जाता है बालों में। फिर यहाँ से मैंने बैक कॉमिंग की है इनकी, और फ्रंट से इन्होंने कहा था बैक कॉमिंग नहीं करनी, तो इस वजह से डोनट लगाया मैंने, ताकि यहाँ पे दुपट्टा क्योंकि हैवी होता है ब्राइड का, तो वो सिर्फ बैक कॉमिंग तो नहीं टिकता। बात है, जब ब्राइड मेरी भी शादी हुई थी मुझे याद है, और उसमें क्योंकि इतने बालों को उन्होंने इतना बैक कॉम कर दिया, खोलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए अवॉइड करवाती हैं ब्राइड। वो सिचुएशन के बालों को एक अजीब से वो जैसे बम ब्लास्ट हो जाता है, वो वाला हाल हो जाता है, बाल डैमेज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, खोलने में बहुत ज्यादा मसला होता है, आप लोगों के बालों पे वो जो कर रहे होते हैं तो बाल हो जाते बहुत ज्यादा, तो ये डोनट लगा के उससे जान छूट जाती है हमारी। अच्छा, ये डोनट आपने लगाया, कवर हो गया बेहतरीन, उसके ऊपर आपने फिर हेयर्स कर दिए। ओके, डन है, ये हमारे पास स्टेप चल रहे हैं। अच्छा जी, समीना भी, शहजाद भी जरा क्लोज, कैमरे का फोकस नहीं आ रहा कि अब मुझे थोड़ा नजर आए, अब है। अच्छा, ये इन्होंने एक बैक कॉमिंग करके उसको फोल्ड किया है, और अब दोबारा बैक कॉमिंग हल्की कर रही है, बिल्कुल सी हल्की, बिल्कुल लाइट लाइट बैक कॉमिंग कर रही है, आपने नीचे वो लगा डोनट लगा दी, तो इसलिए हम ऊपर की जो बैक कॉमिंग लेंगे बहुत ज्यादा लाइट लेंगे। ओके जी, मेरी ब्यूटिशियंस जो इस वक्त मॉर्निंग शो देख रही है, और बिल्कुल मेरी आवाज सिर्फ करें आप प्लीज, इसी पर स्क्रीन रखे, मैं चाह रही हूँ खवातीन सीखे, मेरी आवाज सिर्फ जानी चाहिए। जो ब्यूटिशियन इस वक्त देख रही है रुबीना को, समीना को, और जो है मेरी प्यारी बहन शबाना को, तो प्लीज जरूर आप लोग भी गुड मॉर्निंग विद सभी में आ सकते हैं, बहुत इजीएस्ट है, जस्ट कॉल टू अस एंड कॉन्टेक्ट दिस नंबर 03442069902 या 03158248704। तो पीबीआई के जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो फुल फ्लैश चांस है, फॉरन ज्वाइन करें और देन ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी जी, अब कैमरा मेरी तरफ ले आए शहजाद भाई, वो ये है बहुत जरूरी बात कि पीबीआई की जानिब से एक ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है, PBI collaborate with Carillon. Carillon के साथ जो है PBI की एक जबरदस्त exclusive master one day beauty workshop का इनेकाद किया जा रहा है, तो foreign वो beauticians जो बड़े बड़े courses afford नहीं कर सकती वो foreign हमें रब्ता करें और 03442069902 पे, और इस beauty workshop का बिल्कुल आप हिस्सा बन सकती हैं, क्लास भी ले सकती हैं, और अगर मॉर्निंग शो में पार्टिसिपेट करना है तो आप फौरन हमें रब्ता करें और आराम से इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है, डोंट यू वरी, आप टेंशन ना ले, पता नहीं यहाँ पे मॉर्निंग शो में कुछ हमें पेमेंट दे के जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा लग रहा है समीना आपको यहाँ पर आना? जी बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अर्श भाई जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरा ये ख्वाब था। अच्छा, आज पूरा हो गया, क्या बात, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबियाँ दे और इसी तरह आप काम करती रहे, पीबीआई की वजह से हुआ है। अच्छा चले, कुछ लोगों की विशेष होती हैं, आप काम कीजिए साथ साथ। अच्छा, ये बड़ा प्यारा सा आप स्टाइल बना रहे हो समीना जी, ये जो आपका जो है। अच्छा जी, मैं चलूंगी शबाना की जन्म, शबाना आपने पार्टीशन का जरा सा ब्रीफ कीजिएगा, कौन सा स्टाइल और किस तरह, दोबारा अगेन जी। ये मैं फुल लेयर्स करती हूँ, पहले मैंने सेंटर किया, सेंटर के बाद हमें जो फोर ट्रेपनेस करके इसकी जो है कटिंग शुरू करनी है। ओके ठीक है, आपने पार्टीशन कर लिया, अभी सिर्फ सेंटर किया। अच्छा, सेंटर किया है, सर स्टार्ट लीजिए आप भी। अच्छा, वन बाय वन हम सबको फोकस करें, आप स्टार्ट ले आराम से,
कुछ बात कहना चाहें तो जरूर बात कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं सिस्टर, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं घर से कभी नहीं निकली थी। मैं फर्स्ट टाइम मतलब आपके वर्कशॉप में आई थी, वो भी मैं किसी के तवस्सुत से आई थी। मेरी पीबीआई वर्कशॉप जी, पीबीआई की वर्कशॉप है ना, तो वहां से मतलब मुझ में है ना कॉन्फिडेंस आया बाहर निकलने का जी, मौका मिला आगे आने का। तो माशाल्लाह अल्लाह आपको और अरशद भाई को और भी तरक्की दे और सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, हम लोगों के लिए आप लोगों को इसी तरह जो है वो सामने रखे, ताकि हम लोग जैसी जो खवातीन है जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है या उनको सोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, उनको आप आगे ला रहे हैं। बेहतरीन। देखिए, हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, दुआएं भी जो है वो हमारे लिए गुड लक होती हैं। और मैं चाहती हूँ कि खवातीन बहुत टैलेंटेड है, यकीन करें, मैं ब्यूटिशियन से मिलती हूँ, बहुत टैलेंटेड ब्यूटिशियन हैं, और बस सिर्फ उनको थोड़ा सा बकअप करना पड़ता है। और कुछ तो ऐसी ब्यूटिशियन है, आप, मैं आपको बताऊँ, हैरान कन बात है, क्योंकि आई एम लुकिंग पीबीआई और मैं उनको पीबीआई एक बेहतरीन खवातीन ब्यूटिशियन की ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ खवातीन को 18-18 साल हो गए और हिडन टैलेंट है, बिल्कुल उनको कोई नहीं जानता, और वो यकीन करो वो कहती हैं हमको इतने साल हो गए और हम का मतलब कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन हमें कभी किसी ने एक्सपोजर नहीं दिया। तो वो बहुत अर्श को बहुत थैंक्स करती हैं कि हमें 20-20 साल हो गए हैं, हम लोग कभी भी स्क्रीन पर नहीं आए। मैं जब इस फील्ड में आई थी मैम, तो मुझे मतलब बहुत से इश्यूज थे घर की तरफ से, थे कि भाई क्यों निकल रही है बाहर ये वो। अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट है। मेरे बाबा की ये ख्वाहिश थी कि मैं बहुत इस काम में आगे जाऊं, तो आज अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो ऐसे देख के बहुत खुश होते, और अम्मी मुझे देख रही होंगी, तो अम्मी माँ की दुआओं के बिना कोई कुछ नहीं है ना। जी, मेरी अम्मी, भाई इनकी अम्मी को कॉल लगा ले, देखे मुझे सरप्राइज, देखे कुछ इनको बताए ना, भाई इनकी नंबर दे देती मम्मा का तो हम कॉल करवा लेते, उनको बता देते। जी, मीनस टीवी देख लेती वो भी। जी, मेरी अम्मी अम्मी घर पे देख रही है। जी, अल्लाह चले जी, जो है इस वक्त रुबीना की अम्मी को सलाम मेरा, और आंटी आप हमें भी दो में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जी, आप लोगों क्या कहा था, पहुंचे समीना जरा से बताइएगा आपका, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं करें प्लीज, जरा जल्दी जल्दी कीजिए। दैट्स गुड, और मेरी बेटियां देख रही होंगी और मेरे बाबा देख रहे होंगे शो, इनकी एक्साइटमेंट देखिए इनकी। बिल्कुल, आप लोगों ने ही ऑफ कोर्स इस तरह आगे बढ़ना है, और खवातीन जो देख रही हैं वो ये कभी ना समझे वो कुछ नहीं कर सकती। आप लोग टैलेंटेड हैं, आप स्किल्स वूमेन्स हैं, बिल्कुल मॉर्निंग शो में आ सकती हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकती हैं और लोगों को सिखा सकती हैं। सब देखें, ना सिर्फ ये खुद मतलब टैलेंटेड तो हैं, लोगों को सिखा रही हैं, बता रही हैं। तो आप लोग देखिए, हमने सामने से बैककॉमिंग की थी कि क्योंकि सामने डोनट नहीं लग सकता है, तो सामने से बैककॉमिंग करके वेव बनाई है मैंने, ठीक है। अब इसको मैं हल्का सा टर्न करूंगी क्योंकि इनके हेयर ज्यादा लंबे नहीं है, छोटे हैं, तो इसको बस यहाँ से ऐसे टर्न किया आपने और ऐसे इसको वेव दे दी। क्या बात है, जबरदस्त करारा सूट, और ये वलीमे की ब्राइड, बेहतरीन एफर्ट, और ये ब्राइडल हेयर स्टाइल इनका बन रहा है। और जी, हम चलेंगे शबाना की तरफ। जी शबाना, जरा सा ऐसे कट दिखाएं कि नाजरीन हमारे देखें। अजी जी देखें उनका, जी पकड़ने का स्टाइल जरा देखिएगा, ये कटिंग का स्टाइल, दैट्स गुड। एक बार फिर सिस्टर दोबारा से इसको लीजिएगा, कवरेज हो इसकी जी। इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से पार्टीशन किए, और होल्ड आप कैमरे की तरफ आ रहे हो, नजर नहीं आ रहा ऐसे ये जी। भाई इधर मैंने कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ओ सॉरी, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लीजिए जी। शबाना ने हेयर स्प्रे करते हैं, शबाना कहिए जी, ये मैं कटिंग कर रही हूँ। ओके, ये फुल हेयर से विद बैंड्स, अभी मैंने ये फ्रंट सेक्शन किया है, ये सेकंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे। दैट्स गुड, कर कर, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैम सभी की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा फर्स्ट है, पहली बार, और बहुत खुशी है, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक। अच्छा भाई, इधर मैंने कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सभी, हाउ आर यू, की बात कर रही हूं मैं, सीमा हूं, यानी कि केमिकल एक्सपर्ट क्वीन यहां पर। क्या बात, आपकी कॉल आ गई, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है आपके प्रोग्राम की, थैंक यू सो मच। और पीबीआई को आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ भाई, आप लोगों की वजह से पीबीआई है ना, क्या पीबीआई नहीं, काम कितना जबरदस्त करता है ना, इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और हमारे तो बड़ी प्रिविलेज की बात है
डिक्सन सिवा के लिए कि हम आपके साथ काम करते हैं। क्या बात है भाई, मैं ये जेन्युइन पीपल माशाल्लाह माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। तो कब आ रही है फिर हमारे प्रोग्राम में आप? आउट ऑफ सिटी गई हैं साला, अभी तो मेरी पाकिस्तान में पूरी क्लासेस चल रही है, इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद में आई हूँ, ब्यूटीफुल प्लेस। और इंशाल्लाह ताला 31st को या 1st को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी बहुत सारी दुआएं। और मैं ये कहूंगी कि बेहतरीन कहूंगी हेयर एक्सपर्ट, हेयर केमिकल एक्सपर्ट है। जी जी आवाज आ रही है मेरी सीमा? आप आवाज थोड़ी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और ये क्वीन है हेयर एक्सपर्ट, केमिकल हेयर एक्सपर्ट। नहीं नहीं लव यू और अर्श भाई की मोहब्बत है जो इतना ज्यादा रिगार्ड करते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर अ लवली पर्सन। और माशाल्लाह से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, आप बहुत अच्छा मॉर्निंग शो भी कर रही हैं और ब्यूटिशियन का जो प्लेटफॉर्म जो चला रही हैं वो तो माइंड ब्लोइंग चला रही है। आई लव यू फॉर दैट, आई लव यू टू। अल्लाह पाक आपको भी इसी तरह कामयाबी दे। और ये देखिए देखिए अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पर वर्कशॉप्स करना नॉट इजीएस्ट जॉब, तो ये सीमा जो है बड़ी बात है जो इतनी दूर अपने ज़रूरत है, फैमिली है, बच्चे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन दूसरों को और भी वहाँ पर भी जिन जिन जगहों के ये नाम ले रही है, कभी कभी मैं इनसे डिस्कस हो रही होती है तो ये बता रही होती है जी वो इस वक्त मानसेरे में है या कागान में है या नारान है, गिलगित है, इन जगहों पर भी ब्यूटिशियन मौजूद है। रियली मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद भी गई हूँ, तो यहाँ पर वर्कशॉप्स होती हैं, तो हमारी खवातीन हर जगह पर मौजूद हैं और हर जगह जो है टैलेंट मौजूद है। चलिए जी हम रुबीना की तरफ चलते हैं। रुबीना कहाँ तक आपका हेयर स्टाइल पहुँचा? ऑलमोस्ट डन है, बस बैक से जो जुड़ा इनका डोनट मैंने लगाया, बस वो डन कर रही हूं। ओके, इसे हम कंप्लीट की। अच्छा थोड़ा सा ऐसे हम टर्न करके आप दिखाएं ताकि कैमरे, आइए बेहतरीन, अब आप इसे करें ये जी। अच्छा यहाँ पर भी आपने कुछ इसको ये डोनट लगाया है नीचे, मतलब जैसे पोनी बनाते हैं हम वैसे पोनी बना के उसके ऊपर डोनट लगाएंगे और उसके ऊपर सारे हेयर्स को ऐसे करके। चलिए एक करें तो हमारे जो है नाज़िम भी ब्यूटिशियन, देखिए कोशिश कर रही हूँ मैं ब्यूटिशियंस को कि आप लोग हमारे इस सेगमेंट से सीखें और कुछ कमियां हैं। मैं समीना से एक सवाल करना चाहूंगी, अच्छा सवाल करूंगी तो वो बता, हाथ ना रोकिएगा, काम करते रहेगा। समीना अक्सर लोगों का बेस जो है वो ब्रेकअप हो जाता है, थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइएगा। और आपने बहुत स्मूथ बेस लगाया मैं देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त, क्या क्या लगाया थोड़ा बता दीजिए। मैंने पहले कैमोफ्लेज किया है ओके, और उसके बाद मैंने जो है ना प्राइमरी बेस बनाया, अभी सेकेंड बनाऊंगी। तो ये है कि एप्लीकेशन अच्छी होनी चाहिए, जब तक एप्लीकेशन आपकी अच्छी नहीं होगी लगाने के बाद जो है ना सबसे पहले। अच्छा कुछ लोग कंसीलर और क्या उनका कुछ प्राइमर करते हैं पहले ना? अच्छा ठीक है, पहले प्राइमर किया ओके डन। और आजकल जैसे वेदर चल रहा है बहुत खुश्क है तो पहले आप मॉइस्चराइजिंग करें, वरना भी आपका बेस खराब हो सकता है। मॉइस्चराइजिंग की है उसके बाद इसे मैंने प्राइम किया, उसके बाद फर्स्ट हमने कैमोफ्लेज करके फर्स्ट बेस लगाई। ओके डन। अच्छा जी समीना ने बिल्कुल मेकअप स्टार्ट कर लिया, सबसे पहले अपने आई के ऊपर क्या मेंशन कर रही हैं? मैं अब ये जो है ना कंसीलर लगा रही हूँ ना, ओके ठीक है, ताकि ये थोड़ी आईब्रो हाईलाइट हो जाए और ये ओके। अच्छा मैं नाज़िम को ये भी बताना चाहूंगी कि क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है तो बेस वगैरह फिर हमें उसके हिसाब से मैनेज करना होता है, और साथ साथ बिल्कुल फोकस हो रहा है समीना इस वक्त जो है वो लगा रही है, तो आप कैमरे में भी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि वो ब्यूटिशियन जो उस साइड पर बैठी हुई हैं हमें वॉच कर रही हैं, देख रही हैं गुड मॉर्निंग विद सभी, तो वो सीख सके। और कोई सवाल भी करना चाहे देन कॉल टू अस, आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, पीटीसीएल नंबर भी मेंशन हो रहा है, आप हमें विनस टीवी गुड मॉर्निंग विद सभी में कॉल करें और बिल्कुल आप कुछ भी पूछना चाहें। माशाल्लाह रुबीना भी मौजूद हैं, ब्यूटिशियन है समीना भी मौजूद हैं और शबाना भी मौजूद है, और मैंने आज तीनों सेगमेंट इसमें मेंशन किए। अच्छा मैं शबाना की जन्म हेयर कट जो कर रही है मेरी प्यारी बहन, मैं उनकी जानब जाऊंगी, देखूंगी वो किस तरह इस वक्त उन्होंने पार्टीशन किए फिर हेयर कट का किस तरह माशाल्लाह कर भी लिया है मेरा, दिखाइएगा जरा थोड़ा। यस ये अच्छा बड़ी प्यारी ऐसे लग रहा है। अच्छा कम बाल है इनके थोड़े, तो आपके इस हिसाब से शॉर्ट बाल हैं, लेयर्स के बाद मैंने राउंड एरिया से थोड़ी सी ट्रिमिंग की है ताकि वॉल्यूम हो जाए। ओके फ्रंट से अभी बैंड्स पर। अच्छा अभी अभी कर कटिंग। अच्छा फिर इसके बाद क्या आप इसको ब्लो ड्राई करेंगे या कुछ ऐसा होगा? आयरन कर लेंगे। आयरन करने ओके ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इजी है तो वरना आप उस पर भी जाके आराम से करके लेकर आएगा ताकि इसका एंड का रिजल्ट हमें हम दिखा सकें। ठीक है तो जी ये हो गया स्प्रे, सबसे कसम से बहुत डेंजरस लगता है इसको लगा तो लेता है मैम, इसका भी तरीका होता है, एक होता है ना ब्यूटिशियन बिल्कुल यूं करके लगाते हैं वो चीज नहीं करनी चाहिए। सिखा दो
वो चीज नहीं लगानी चाहिए, वो ना हेयर्स को बहुत ज्यादा ऐसे कर देता है वो, जैसे आपने ग्लू लगा के चिपका दिए। इसको हमेशा इतना दूर रख के स्प्रे कीजिए ताकि वो फिनिशिंग में आए, वो चिपके नहीं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम साहब, कैसे हैं जी? कौन है भाई? सर मैं बात कर रही हूँ औरंगी टाउन से। नाम क्या है मेरी प्यारी बहन का? अंबर। अंबर 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 ऐसे बोली जैसे मेरे पुरानी जान पहचान। जी अंबर कैसी हैं आप? घर वाल ठीक है? बाल बच्चे ठीक है? प्रोग्राम देख रही हैं आप? आप इतनी मदम क्यों है? जरा एनर्जेटिक होना, मेरी बहने हो स्ट्रॉन्ग ना हो, बात तो ऊंची करें, मुझे आवाज तो आए। लव यू, बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम देख रही हैं आप? That's good, आ सकती हैं। तो बिल्कुल आप हमें ज्वाइन करें और मॉर्निंग शो में भी आए, आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, हम आपको भी बुला लेंगे। तो इसका मतलब औरंगी टाउन में वीनस टीवी देखा जा रहा है। क्या बात है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, लव यू। और क्या बात है भाई, क्या बात है, कहाँ कहाँ हम लोग, यानी कि आ गए तुसी, आ गए हो तो छा गए हो, कुछ ऐसा नहीं हो गया? आज समीना रुबीना शबाना आ गए, सिखा कर जाएंगे। देखिए ये बात होनी चाहिए, आज सिखा के जाएंगे। कुछ भी सवाल कर सकती हैं जो घर में बैठी खवातीन हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बेस के बारे में, आई मेकअप के बारे में, हेयर स्टाइलिंग के बारे में कुछ भी पूछना चाहती हैं तो वो पूछ सकती हैं। अच्छा, जब ये आने से पहले मैं इनकी सिचुएशन अभी बस इनके ऊपर ही स्क्रीन रखे, मेरे पे ला रखे, मेरी सिर्फ आवाज है क्योंकि मैं चाहती हूँ खवातीन साथ देखते नहीं क्या क्या कुछ लग रहा है समीना वो। अच्छा, जो कुछ नई चीज आप यूज करें ना वो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, अभी क्या लग रहा है वो? अभी तो मैं जो है ना सॉकेट एरिया पे इनके आई शेड लगा रही हूँ। ओके, सॉकेट एरिया पे। अच्छा जी, शबाना कुछ कहना चाह रही है? ओके, आप इसको आयरन करना चाहिए, यहाँ पर आपने लगाया या वहाँ जाके करना है? अच्छा ठीक है जी, मैं लाजी आपसे एक सवाल, आप मूव कर लीजिएगा माइक का, देख लीजिएगा ठीक है, आप आयरन करके लेकर आए। मैं लाजी इनसे बात करना चाहूंगी, मैं सोचूं कि एक ये जो डमीज वगैरह पड़ी है, मैं सोचूं कि इनको मैं थोड़ा शो ऑफ करूं, अगर कैमरे कुछ जब तक एक मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ एक डमीज वगैरह अगर मैं हाथ में ले लूं और इसको हम शो ऑफ कर लें तो कैसा है? ये एक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एक मिनट मैं अपने हाथ में ले लूं क्योंकि यस जी। नाजरीन आ जाएं जी हमारे पास, ये है डमी, लुक एट दिस शहजाद भाई, यस आप देख रहे हैं, आ रही है नजर, अरे वाह स्क्रीन पर तो बड़ी प्यारी आ रही है। रुबीना बहुत प्यारा बनाया, अरे इतनी शौकीन हो हेयर स्टाइल बनाने के, आते हैं हर चीज में, मतलब शौक था शुरू से, अरे इस फील्ड में आओ। अच्छा ये सिखाने के लिए फिर आना, ये इसको कितना टाइम लग जाता है? इसको तकरीबन आधा घंटा लगा होगा। अच्छा, हाँ। मतलब ब्रीफ, अच्छा मतलब अच्छा, हाँ। प्रेजेंटेबल, हाँ जी। माशाल्लाह जबरदस्त आपने हेयर स्टाइल बनाया, और ये ओरिजिनल बबल बनाया मैं, फेक नहीं है। अच्छा। कि आपने कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये खुद बनाया हुआ, मैंने हाथ से बनाया बबल। देखे ना कितनी टैलेंटेड ब्यूटिशियंस है। तो रुबीना ने बहुत प्यारा मेंशन किया है, हेयर स्टाइल बनाया है डमी के ऊपर, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम इसे किसी मॉडल के ऊपर वेयर करें। जी जी, ये तो चले जो है इस तरह, और इसका मतलब रुबीना रेडी हो रही है पीबीआई के स्टेज को पकड़ने के लिए, जंप मार रही है इंशाल्लाह। जिस तरह हेयर स्टाइल में देख रही है ना, मुझे लग रहा है रुबीना जो है वो मैं समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ। समझ गई है ना? बिल्कुल, यही चीज चाहिए थी। ये फिर समझ आ जाएगा, ये बहुत शरारती लड़की है भाई, फिर समझ रही है ना, ये देखे ना बस बोलेंगे पता नहीं कौन सी सेटिंग चल रही है लोगों की। अच्छा जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जरा शरारती सी लड़की है, इसने मुझे इतना परेशान किया, इसका मैसेज मेरे पास आ गया, मैं घूम, मैंने यार यकीन करो वो वक्त मैं नहीं बोलती, मेरे साथ सुबह क्या हुआ, मैं कहती हूँ लड़की घूम गई मेरे हाथों से, कहाँ चली गई, नंबर नहीं ऐड हुआ था ना इसलिए। हाँ जी, चले चले कोई बात नहीं। अच्छा, जब आपने कहा कि मैं आई थी फील्ड में तो प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे, जी तो ऐसा होता है कि फिर बंदे का बहुत शौक होता है आगे बढ़ने का? मुझे कवारेपन से था। कितने साल हो गए? मुझे, मैंने ना तकरीबन 8-9 साल पहले काम सीखा था। अच्छा, तो फिर उसके बाद सीनियर हो माशाल्लाह। फिर उसके बाद ये था
कि बाबा अक्सर मेरे हस्बैंड से कहा करते थे कि आप इनको इसको शौक है तो इसको पार्लर खोल दो ये वो, तो ना मेरे नंदोई तक कहते थे यार तुम्हारी बेगम को शौक है इसको आगे लाओ आगे लेकर आओ ना। तो मेरे हस्बैंड ने फिर जब ये शुरू करवाया तो उनको भी काफी चीजों का सामना करना पड़ा कि वाइफ को इतनी छूट दे दी है ये वो, ही जो हमारी एक मेंटेलिटी होती है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत उनकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं। चले जी आपके हस्बैंड को भी अल्लाह पाक सेहत दे जिंदगी दे इतना सपोर्ट कर। अच्छा दुपट्टा वेयर करने का भी एक स्टाइल होता है वो जरा सा मुझे बताइएगा। हाँ जी मतलब ये कि आप पूरा छुपाए नहीं उसको, जाहिर है ज्वेलरी हर चीज पे ब्राइडल ने पैसे लगाए होते हैं ठीक है और अन्य वाला भी है बिल्कुल सही कह रही है पैसे लगाए होते यार नजर आनी चाहिए ना हर चीज। तो सही इस वजह से ज्वेलरी आप अगर दुपट्टा सारा ही आगे कर दोगे भर दोगे तो ना आपकी ज्वेलरी नजर आएगी ना आपका ड्रेस नजर आएगा। तो एक साइड से हल्का सा आप आगे रख सकते हो अगर कोई इशू है तो ठीक है, वरना ज्यादातर आजकल यही करती है कि दोनों साइड से बैक पे चला जाता है लेकिन वो एक लुक छुप जाता है ना दुपट्टे का भी कलर सामने आना चाहिए। तो एक साइड से आप आगे कर दो एक साइड से आप बैक पे कर दो। और एक मैंने ये देखा है कि बहुत से जो ब्यूटिशियन है ना वो चौड़ी वाली साइड को आपके सर पे रख देते हैं। हाँ। मतलब एक तो दुल्हन पहले ही दिमाग उसका बेचारी का चकराया हुआ होता है हम इस चीज से गुजर चुके हैं। अच्छा। तो ऊपर से आपने उसके सर पे वैसे ही इतना भार है ज्वेलरी का शरारे का, ऊपर से आपने दुपट्टे का भी क्राउन उसके सर पे रख दिया तो हमेशा ये बारीक पट्टी वाली साइड जो है ये वाली ऊपर ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं चाह रही हूँ समीना की बेल्ट बिल्कुल रेडी हो गई आपके लिए रेम्बो का मिस स्टार्ट करने क्योंकि फिर उनका फिर रहेगा मैं चाहती हूँ एक का हो जाए ना। तो मैं चाह रही हूँ कि एक जो है शहजाद भाई हमारी जो है माशाल्लाह रुबीना ने जो अपनी जो है ना ब्राइड एक रेडी कर ली है और समीना की एक ब्राइड इनकी मैं रेम्बो सबसे पहले समीना की करवा देते हैं उनकी ब्राइड अभी तैयार हो रही है तो पहले समीना बिल्कुल बिल्कुल हम इसको कर देते हैं ताकि इन दोनों ब्राइड्स का एक रेम्बो एक सेशन खत्म हो जाए ताकि टाइम बच जाए ठीक है। अच्छा समीना सर बताइएगा आप आपने माशाल्लाह रेड कुछ ब्राउन कुछ लगाया है वो आइस बताइएगा। ये मैंने अभी ब्लेंडिंग करनी है सिर्फ अभी लगाया। यू हैव जस्ट 10 मिनट्स मैं बता दूं आप okay. जरा सा क्विकली कीजिएगा जी जी बस। अच्छा क्या लगा रहे ये मैं अब लाइनर लगा रही हूँ और इसे मैं मर्ज करूंगी लाइनर को। ओके क्लोज दिखाइएगा जरा समीना का क्या लगा रही है ताकि लोग देखें। शहजाद भी स्विच कीजिएगा जरा समीना की तरफ। ओके अभी ये मैं जो है ना ब्लेंडिंग करूंगी बस आइस पर ना उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ रेडी करके। जी इसे मैं ब्लेंडिंग करूंगी। अच्छा आप यहाँ खड़ी हो जाए सेंटर में ठीक है सॉन्ग जब लगेगा तो फिर आपने मूव कर अच्छे आराम से करे अल्लाह शशकी वो मेरे खुद आया बहुत प्यारी लग रही है आप। हाँ बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। जो समीना इस वक्त ब्राइड बना रही है ये उनकी वलीमे की ब्राइड है और अभी वो ब्राइडल जो है वो बारात की भी रेडी हो रही है और सॉन्ग जैसे फिर क्लो हुआ देन आपको मैंने बता दिया था ठीक है। तो फिर आपने हल्का हल्का थोड़ा आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए हम चाहते हैं आप बहुत प्यारी लग रही है और शादी तो आपकी हुई नहीं अभी लाइव शो है हम क्या कह रहे इन दोनों ने मुझसे बुकिंग भी करवा ली अपनी। अच्छा चले अच्छी बात ये तो क्या बात है। अच्छा जल्दी करो समीना तुम्हारा काम रह गया ना तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। नहीं नहीं तो बस इसको कंप्लीट कीजिए। अच्छा जी हम जब बात करें ब्राइडल आजकल कैसा जो है ना मुझे ये बताएं कैसा मेकअप चल रहा है आजकल। ज्यादातर न्यूड मेकअप चल रहा है चाहे वो ब्राइड में आ गया चाहे वो नॉर्मल रूटीन में आ गया। मतलब वो जो एक गोला गंडा वाला स्टाइल था वो खत्म हो गया कि आज जितने रंग के कपड़े पहने हैं उतने रंग आपने आंखों पे थोप दिए वो वाली चीज खत्म हो गई है। आजकल लोगों में अवेयरनेस इतनी आ गई है मेकअप से रिलेटेड तो वो चीज खत्म हो गई कि चिट्टा कर दो चाहे हाथ पांव काले हैं लेकिन अब वो चीज चेंज हो गई है। अब लोग ज्यादातर कहते हैं कि नहीं न्यूट होना चाहिए हमारे हाथ पांव से मैचिंग यानी कि डिसेंट लुक और अच्छा लुक अच्छा लुक हो ग्लैमर हो बट ग्लैमर हो मतलब अच्छा लगे लेकिन लुकिंग एकदम वो ना हो कि बहुत ज्यादा आंखें अलग नजर आ रही हैं लिप्स अलग नजर आ रहे हैं वो वाला लुक आज जैसे होता है ना कुछ लोग बहुत ज्यादा और हेयर स्टाइल बड़े हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा हैवी। अच्छा जी ये हो गए बिल्कुल रेडी जी। अच्छा क्या बात है भाई माशाल्लाह जी। अच्छा जी हम लोग क्या करते हैं जब तक एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक ठीक है जी राजा आप लोगों ने कहीं नहीं जाना यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और है ब्यूटी सेगमेंट। बहुत ही रंगीन सेगमेंट हो गया मेरा, अगर मैं पूरा अगर इस वक्त स्टेज दिखाऊं तो माशाल्लाह इस वक्त रुबीना, समीना और शबाना सबके काम हो गए हैं रेडी और मैं चाहूंगी सॉन्ग हो जाए रेडी क्योंकि प्रेजेंटेशन है बिल्कुल समीना की रेडी वाली ब्राइड्स और बारात के भी बन रही है। लेट्स चलते हैं हम इनकी प्रेजेंटेशन देखने। Magic of a Kanan and all day, man all day, magic of a Kanan, magic of a Kanan and all day, is gone who's an attendant, like a look in a Kanan and all day, man all day, magic of a Kanan, magic of a Kanan and all day, oh, chuck a day, but day, do chuck a day, but day, he ran up a lay, do bullet, bullet, man all day, magic of a Kanan, magic of a Kanan. चाहूंगी कि शबाना जो है फ्रॉम माहम सलून से उनका हेयर जो है कट वो रेडी हो गया, जरा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। ओके ओके जबरदस्त, दैट्स गुड गुड। अच्छा जी हम लोगों ने, मैं चाहूंगी कि ना जिस तरह माशाल्लाह उन्होंने जो है शबाना ने हेयर कट किया और ये समीना की ब्राइड और ये हमारे दरमियान है जो है रुबीना की ब्राइड है। अच्छा रुबीना, अभी मैं चाहूंगी जरा शहजाद भाई इस वक्त मैं चाहूंगी जरा सा रुबीना की ब्राइड को क्लोजअप में इनका फेस वगैरह दिखाया जाए, मेक ओवर इनका कैसा, फिर उसके बाद हम समीना की ब्राइड की जानिब चलेंगे। तो इनका जरा क्लोजअप करें मैं जब तक रुबीना से बात करती हूँ। रुबीना आपके माशाल्लाह की हेयर स्टाइल भी मैं देख रही हूँ, मेरे हाथ में एक और हेयर स्टाइल है यहाँ पर और ये है ब्लैक इस वक्त, ये इस तरह के क्या अभी चल रहे हैं जूड़े वगैरह सब? होता है कि उनको इशू होता है कि खुले बाल नहीं रखने हमने। अच्छा तो वो कहती है कि मुझे जूड़ा बना दें। अच्छा। तो जाहिर है सादा जूड़ा बनाएंगे तो वो एक अजीब सा ही लगता है, तो फिर इस तरह के जूड़े बना देते हैं हम। और अच्छा, भी स्टाइल आते हैं। आई थिंक आपके माइक का कोई प्रॉब्लम है, मैं जब तक खुद बात करती हूँ आप हमें ब्यूटी सेगमेंट में लाइव इनका माइक चेक कर लीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा जी हम मैं ब्यूटी हो गया, आवाज आ गई। अच्छा जी मैंने कहा शायद तुम इधर उधर हुई हो ना इसीलिए आपका माइक हिल गया था। अच्छा जी ये सारे हेयर स्टाइल आपने बनाए माशाल्लाह और डमी के ऊपर प्रेजेंट किया है, और ब्यूटिशियन क्या फोकस करती है सीखने के ऊपर इसके ऊपर? जी बहुत ज्यादा करती है, हेयर स्टाइल मैटर करता है आपके मेकअप को एनहेंस करने में। ठीक है, अगर हेयर स्टाइल अच्छा होगा तो आपका मेकअप भी अच्छा लगेगा। अच्छा जी एक मिनट रह गया है समीना, यू हैव जस्ट ओनली वन मिनट, मैं चाहती हूँ आपकी ब्राइड आ जाए तो अच्छा नहीं हो जाएगा? जी जी बस। अच्छा जी और बहुत ही जो इन्होंने आज लंबा हो गया, जल्दी से इनको दुपट्टा पहना दे और एक मिनट रह गया है, और कभी कभी ऐसा होता है। मैं चाहती हूँ इनकी ब्राइड्स जो है बड़ी प्यारी, उन्होंने वलीमे की ब्राइड बनाई है, मैं चाहूंगी इन ब्राइड्स को देख लें। और आप दोनों खड़े हो जाएं, आप दोनों खड़े हो जाएं, और मैं जाते जाते ये भी कहना चाहूंगी फाइजा ब्यूटी क्रीम का जरा सा मैं चाहूंगी प्रेजेंटेशन दिखा दें, और अगर आप फाइजा ब्यूटी क्रीम के जो है बहुत सारे गिफ्ट है और लकी ड्रॉ है, आप उनके लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं फाइजा ब्यूटी क्रीम के लकी ड्रॉ में। और सिंपल मेथड ये है कि जस्ट परचेज अ वन बैग 1000 का, और एवरी मंथ जो लकी ड्रॉ होगा उसमें है बहुत सारे आपके लिए गिफ्ट्स, जिसमें है बाइक्स, गाड़ी, एयरप्लेन टिकट और बहुत कुछ। तो आप बिल्कुल हमें इन नंबर्स पे रब्ता करें और फाइजा ब्यूटी क्रीम की लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए। तो बस टाइम में ऐसे ही नहीं पता चलता ब्यूटी सेगमेंट किस तरह गुजर जाता है, और ब्राइड हो गई है बिल्कुल समीना की रेडी, और वो उनको कर रही है सेफ्टी चेक, पिनअप्स कर रही है। तो समटाइम ये होता है शॉर्ट टाइम में लाइव शो है
और लाइव शो में बहुत कुछ होता है। और मैं चाहूंगी ब्राइड को क्लोजअप में ब्राइड को जरा सा दिखा दीजिए, और बच्ची ने बड़ी मेहनत की है और क्लोजअप में। गुड़िया आप यहाँ के जरा सा बस ऐसी उसी जगह पे बैठे रहे, और ये हो गया है रेडी। बस समीना छोड़ दो बस काफी हो गया। बेहतरीन, बहुत प्यारी लग रही है, जरा इनका क्लोजअप दिखा दीजिएगा ब्राइड का। यस ये हो गया है, थोड़ा उस साइड देखो हल्का सा, उस साइड हाँ ये, और उस साइड देखो ये इनका बड़ा प्यारा, इन्होंने जो है ये जबर, और उस साइड देखो थोड़ा सा ये इनका जरा क्लोजअप दिखाइएगा। समीना छोड़ दो यस, और बेहतरीन। समीना आने का बहुत शुक्रिया, इधर देखो बस खुदाफिज। रुबीना आपका आने का बहुत शुक्रिया, समीना आपका, शबाना आपका जी, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे नया सूरज तुलू होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आ जाओ जी ब्राइड्स, आप भी आ जाओ, ये ब्राइड्स को भी इनको साथ ज्वाइन करें, और सॉन्ग एक लगा दें, हम चाहते हैं इन तीनों ब्राइड्स पर सॉन्ग का जो एंड हो जाए, इसे सेंटर में जगह दें ब्राइड्स को। Yes. Mm-hmm.